वेरी गुड मॉर्निंग टू 14, आज आ गए बेटा हम लोग फिर से अगेन जो है maintain है हमारी आज हमारा क्या है आज हमारा जज करने का समय है सर कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमको याद है सर तो आज हमारा टेस्ट बेटा आराम से टेस्ट को आपको क्या करना है बेटा परफॉर्म करना है और खुद को जज करना है कि सर हम कितना तैयार हैं आने वाले

अभी बताएंगे बेटा अभी बताएंगे बस जल्दी से फटाफट आप लोग आ जाइए और मतलब ये है बेटा कि आपको सिंपल क्या करना है कहीं भी आपको हेल्प नहीं लेनी है खुद से जज करना है क्या आंसर होगा आंसर सही हो गलत हो चलेगा आपको गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको खुद से ऑनेस्ट की जरूरत है बेटा क्योंकि ये क्या है आपको इंप्रूवमेंट चाहिए आपको इंप्रूवमेंट चाहिए बेटा आपको किसी को शो नहीं करना है कि हाँ हम बहुत तेज है नहीं बेटा आप खुद को शो करिए खुद को शो करिए कि हाँ हम बहुत तेज है इंप्रूवमेंट बेटा वहां दिखाएंगे हम लोग कहा सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करिएगा आराम से दीजिएगा और और अपना टाइम चेक रहिएगा बेटा एट द लास्ट एनालिसिस करिए कि हाँ सर हमारा कितना गलत हुआ कितना सही हुआ बेटा आपको उसको शो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप उसको देख के हमसे बात करिएगा हम पर्सनली आपको गाइड करेंगे कि हाँ कहीं पे अगर आपकी थोड़ी कमी रह गई है तो उसको इंप्रूव कैसे आप लोग करेंगे सो so फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आज का जो टेस्ट है आराम से दीजिए बेटा सिंपल रहकर दीजिएगा बिल्कुल भी ये सोच मत कि बहुत टेंस वाली बात है नहीं बेटा रियल एग्जाम की तरह इसको फील करिएगा सर मेरा आज रियल एग्जाम एग्जाम है DFCCL का आज ही है और मैं कितना परफॉर्म कर पाऊंगा बिल्ली में बेटा ऑनेस्टी रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सो अ वेरी वॉर्म वेलकम वंस अगेन टू एवरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज जेनिक एंड दिस इज प्रवीण बेटा सो फाइनली माई वॉज इज प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरी ओके गुड मॉर्निंग बेटा वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे बेटा रिपीट होते हैं हर एग्जाम में तो आप इसको, इसको अपना जो आने वाले एग्जाम है टारगेट करके इसको सोल्व करिएगा और बेटा प्रॉपरली सोल्व करिएगा बिलीव भी आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बट ऑनेस्टी रखिएगा टाइम देखते रहिएगा क्वेश्चन को honestly, जो गलत हो रहा है गलत कर दीजिएगा और बेटा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा हमसे बात करिएगा हम आपको बेटा हर चीज का प्रोवाइड कराएंगे सोल्यूशन और गाइड भी करेंगे ओके सर सो शैल स्टार्ट बेटा इफ यस देन प्लीज शो योर थम बाय सो दैट वी कैन स्टार्ट बेटा एंड आज अकोर्ट क्या बेटा पढ़ाई वो पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी बस 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 कंडीशन है क्या बेटा रुकना नहीं है बेटा रुकना नहीं है कहीं गिर जा रहे हो उठो और बेटा दोबारा चलना शुरू कर दो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आप बेटा अपने आप को लोग रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए बिलीव मी आपको आपके सक्सेस से आपके सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता ओके सर सो शेल वी स्टार्ट बेटा इफ यस यस बेटा थैंक यू सो मच यस आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स बेटा ओके okay, बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरी चलिए सर फाइनली और बेटा ध्यान रखिएगा एक पहले टिप दे देता हूं एक टिप देता हूं आप लोग को एग्जाम देने वाले हो आप आने वाले समय में ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो एक टिप देना चाहता हूं आप लोग को हमेशा बेटा देखिए आप लोग जब जाते हो आज सारे आजकल सारे एग्जाम क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप लोग जाते हो बेटा तो शुरू के पंद्रह मिनट वो कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं कि हाँ इसको पढ़ो फिर पंद्रह मिनट बाद क्या होता है बेटा आपका जो मेन एग्जाम है वो एक्टिव होता है तो ये जो पंद्रह मिनट का बेटा स्लॉट होता है ना बेटा ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है कैसे सर कैसे बेनिफिशियल होता है उस में क्या करा करिए थोड़ा सा आप क्या करेंगे लिया उसको रोज पढ़िए तेज पढ़िए बार बार पढ़िए ताकि क्या हो बेटा आपका सीक्वेंस बैठ जाएगा आपका माइंड सेट वहां पर बैठ जाएगा उस पंद्रह मिनट में उस कंप्यूटर के साथ ताकि बेटा आप जो नया क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां पर कुछ नया फील नहीं होगा तो जब भी स्टार्टिंग जो पंद्रह मिनट होते हैं बेटा आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वहां पे जो भी लिखा होता है उसको जो आपको क्या करें मन में जोर जोर से पढ़ना है मन में पढ़ना है बेटा और तेजी से पढ़ना है ताकि बेटा आप लोग क्या हो जाए उसके साथ एक सीक्वेंस बैठ जाए उस कंप्यूटर के साथ एक सीक्वेंस बैठ जाए ताकि आपको बेटा जब आपका मेन एग्जाम स्टार्ट हो तो वहां पे कोई आपको घबराहट ना हो कोई नयापन ना महसूस हो तो बेटा ये चीज जरूर करिएगा बिलीव मी इससे आपका बेटा मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है एंड बिलीव मी बेटा इसको प्रैक्टिकली अप्रोच करिएगा जो भी आपका एग्जाम होगा तो ये छोटे छोटे टिप्स है बेटा जो आप लोग को क्या करेगा बेटा थोड़ा सा एज प्रोवाइड करेगी थोड़ा सा आपको क्या कर बेटा आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकती है सो बेटर हैबिचुअल बन जाइएगा उस कंप्यूटर के साथ पंद्रह मिनट में और उसके बाद

किस सब्जेक्ट का है उसके बाद उसको क्या करेंगे बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे एंड बिल् में बेटा ये जो आपके आगे आने वाले डेढ़ दो घंटे हैं उसमें आप खुद को जज करिए किसी से कोई मतलब नहीं बेटा और ऑनेस्टी दिखाइएगा खुद से ऑनेस्टी दिखाइएगा ओके okay, सर चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ओके सर ओके वेरी गुड ये छोटे छोटे टिप्स बेटा आपको, आपको मैं देता रहूंगा साइड बाय साइड बस द थिंग बेटा आराम से बैठिए और बेटा आपका क्वेश्चन नंबर वन आ रहा है दैट इज योर डी का क्वेश्चन नंबर वन सर ओके वेरी गुड So, this is the question number one of today's mock test. That is your DFCCL mock test beta. And I want that everyone should give the answer for this question and that too with a minimum time beta.

यस, yes. सो so, बेटा क्या होगी आपकी जो फ्लक्स होगी वो ज्यादा क्या होगी बेटा ज्यादा बढ़ जाएगी मैग्नेटाइजिंग ज्यादा हो जाएगा बेटा तो उस केस में क्या होगा बेटा आपका इंड्यूस ईम ज्यादा हो जाएगा बेटा तो इसने थोड़ा सा क्या किया क्वेश्चन को

खुद से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू आराम से डरिए मत अरे सर मेरा क्वेश्चन पहला गलत हो गया नहीं बेटा ऐसा एग्जाम में भी होगा तो डरेंगे नहीं बेटा आराम से सोचिए खेलिए एग्जाम है गेम है गेम को प्रॉपरली खेलना है खुश होकर खेलना है स्ट्रेस फ्री रह कर खेलना है बेटा तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू आराम से इसको आंसर दीजिए बेटा और आगे बढ़ते हैं सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर टू जल्दी बताइए ट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू बेटा द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अ कंडीशन ड्यू टू ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा किसी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव बेटा वो चार्ज किस वजह से आता है उसके लिए उसने ऑप्शन दिया है तुरंत इसका आंसर विद इन टाइम दीजिए बेटा ज्यादा इस क्वेश्चन में समय व्यर्थ नहीं करते बेटा सो आंसर इज वर्ट बेटा इन दिस केस दैट लेट मी चेक ओके बेटा फ्रॉम माय साइड द आंसर इज बेटा कि आपका क्या होता बेटा द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जो आपके बाहर आउटर आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर बाहर गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अगर वो अंदर आया बाहर से तो बेटा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसका क्या हुआ बेटा मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी पे चार्ज आता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो बेटा बहुत सिंपल चीज थी ध्यान से बेटा और हर चीजों को पढ़ना है एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन बेटा न्यूट्रॉन क्या होता है होता है बेटा इसको कोई मतलब नहीं है ओके सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक चार्ज को दिखाएगा ना निगेटिव चार्ज को दिखाएगा लेकिन हमको चार्ज के बारे में बोल रहा है यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव नहीं बोला है तो हमको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा इसलिए सर आंसर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री आराम से पढ़ेंगे बेटा आराम सीखेंगे और क्वेश्चन को प्रॉपरली करेंगे शेयर लाइक कर दीजिएगा बेटा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूरी रात बैठ कर मैंने सॉल्व किया है और आपको प्रिपेयर किया जो मैक्सिमम बार पूछे गए है, हैं बटा? तो आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को ऑनेस्टी दिखाएंगे अपने साथ और बेटा सॉल्व करते रहेंगे बिल्कुल भी डरना नहीं है दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री टू एंश्योर द सेफ्टी वट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ जमीन में गाड़ते हो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए यही बेटा आपसे पूछ रहा है ताकि बेटा आप लोग इसका आंसर दीजिए बेटा क्या आंसर होगा इसका ओके okay. तो देखो चाहते हैं हमने ये किस लिए यूज़ है बेटा कि जो भी एक्सेस करंट है जो भी एक्सेस करंट है बेटा वो क्या हो जाए अर्थ के अंदर चली जाए बेटा तो अर्थ के अंदर जो एक्सेस करंट जाएगी वो कब जाएगी जब हम लोग बेटा इसका जो रेजिस्टेंस रखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉड का रेजिस्टेंस रखेंगे वो मिनिमम रखेंगे बेटा क्यों क्योंकि हमको पता है आई जो होता है टू आर होता है तो जो एक्सेस आपका करंट है उसको इलेक्ट्रॉड में जाने के लिए हमको इट मीन दिस क्वेश्चन ईयर ध्यान से करिए दिखाइए गलत हो रहा है सही हो रहा है चलेगा रहेगा ओके सर सो नोड बेटा क्वेश्चन का दंसर फॉर क्वेश्चन थ्री इज बी दैट द रजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रॉड शुड बी लो मतलब कम होना चाहिए बेटा तभी क्या होगा

जो भी आपका क्वेश्चन सीरीज चल रहा है आपका जो अगर उसको देख रहे हैं तो आपको कवर पेपर, पेपर करा दिए थे बट फिर भी आराम से देखिए लर्न कर लिए सीखिए बेटा और आगे बढ़िए ओके सर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर द प्राइमरी ऑफ डैश शुड नेवर बी एनर्जाइज वेन इट्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किट तो बेटा कह रहा है भैया ऐसा कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके सेकेंडरी को बेटा क्या करते हैं हम लोग ओपन सर्किट नहीं रखते हैं तो बेटा इसका आंसर क्या होगा सर इसका आंसर क्या होगा सर वट क्वेश्चन बेटा अगेन करंट ट्रांसफॉर्मर होता है बेटा इसका हम लोग क्या करते हैं ये क्या होता, बेटा? वैसे होता क्या है बेटा? आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो जाएगा तो इंसुलेशन का दिक्कत हो सकता है, हो सकता है बेटा, इसलिए हम लोग सेकेंडरी लो को क्या करते हैं बेटा ओपन रखते नहीं है तो बेटा इस बात को याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये सो दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से हंसते खेलते करिए करिए बेटा ये एग्जाम है एग्जाम को इंजॉय करिए बेटा अनिश्चित दिखाइएगा खुद से कि हम कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं फिर हमसे बात करिएगा हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जिससे कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो सकता है बेटा ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ओके बेटा वेरी गुड द क्वेश्चन नंबर फाइव गुड मॉर्निंग हबीब चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं थोड़ा सा लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा लेकिन आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आंसर दीजिए बेटा और कोशिश करिए कि हाँ ऑनिस्टी दिखाइए खुद से सोचिए कि हाँ मेरा कितना आंसर गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है ओके सर चलिए वेरी गुड हाँ बेटा सर बिल्कुल फास्ट लगे बेटा थोड़ा सा बच्चों को आप जाने दीजिए पूरे बच्चे आ जाने दिए उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट बढ़ाएंगे निश्चित क्वेश्चन फाइव वट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा इस क्वेश्चन में आपको बीस सेकंड कम से कम लगेंगे ही लगेंगे तो उस बीस सेकंड का पूरा यूज करिए और आप लोग

घट और बढ़ जाएगी यहां पे क्या कर है बेटा आपका डायमीटर को डबल कर दिया बेटा क्या कर दिया डायमीटर को डबल कर दिया सर तो इसके बेटा आपका देखिए पहले आपका ये वायर था पहले बेटा आपका ये वायर था इसमें क्या

आपको बताया हुआ है ओके सर चलिए वेरी गुड दिस इज द क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर एंड आई वांट दैट एवरीवन शुड डू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ये का क्वेश्चन है बेटा मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कैसे इसको करते हो और फिर हम बेटा इसका आंसर बताएंगे कि सर कैसे होगा आंसर इसका ओके सर चलिए सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स डायरेक्टली बेटा मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने बस उसको उठाया वहां पेपर से और यहाँ पे बेटा पेस्ट कर दिया है हम चाहते इसका आप लोग आंसर दीजिए कितना टाइम लग रहा है आपको उसको पहले हमें बताइए उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आपके लिए और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ओके सर चलिए वेरी गुड सो व्हाट इज आंसर दिस बेटा इसके लिए आंसर क्या होगा बेटा व्हाट इज आंसर चलिए वेरी गुड तो थोड़ा एनर्जी दिखाइए बेटा एनर्जी रखिए अपने हाथ क्योंकि बेटा आप लोग एग्जाम दे रहे हो एग्जाम में थोड़ी सी एनर्जी बरकरार रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है सर कि इसमें सर आपका जो करंट होगा वो कितना होगा वेरी गुड और ये बेटा लास्ट ईयर डी डी में आया है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन सारी वैल्यू सेम है बेटा इसको करिए और इसका आंसर दिए बेटा क्या होगा इसका आंसर व्हाट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ध्यान से करिए आराम से करिए और बेटा इसको समझिएगा मैं फिर से कर रहा हूँ बेटा हमारा ये जो सीरीज चलता है उसमें सिर्फ हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराना बेटा हमको आपको सिखाना भी होता है कि आपको कैसा अप्रोच रखना है एंड बिलीव में बेटा अभी मैं इसका आपको अप्रोच बताऊंगा बिना पेन पेंसिल के आप इसको कर लोगे अगर आपने क्या किया बेटा हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल की सीरीज चल रही है उसको प्रॉपरली देखा है तो नहीं देखा है तभी बेटा आप लोग इसको सीख जाओगे आज जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा वट डू द आंसर फॉर दिस केस आराम से बेटा

So, देखिए बेटा अब थोड़ा सा मेरा अप्रोच देख लीजिए जो मैं बताने वाला हूँ उस अप्रोच को देखिएगा और उससे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए बेटा क्या है चलिए पूछ रहा है सर आपसे आपसे ये पूछ रहा है बेटा कि ये जो करंट है वो कितना होगा ये करंट क्या होगा बेटा इसमें कितना होगा तो मैंने क्या किया बेटा मैं एक बार में एक सोर्स को लूंगा मैंने 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 मान लिया मिला क्या क्या किया किया एक बार में इसको ए, इसको इसको एक्टिव रखा बेटा डीएक्टिवेट कर दिया तो जब आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसको तुम डीएक्टिवेट करते हो तो कैसे करते हो बेटा उसको तुम शॉर्ट सर्किट कर देते हो क्या करते हो बेटा उसको उसको तुम शॉर्ट सर्किट कर देते हो क्या करते हो बेटा शॉर्ट सर्किट कर देते हो अब देखो बेटा यहां से सिक्सियर चला यहां से सिक्स एम्पियर चला यहां पे आया अब यहाँ पे डिवाइड होगा अब यहाँ पे डिवाइड होगा बेटा तो देखिए ये जो करंट होगा ये कहा जाएगा इसमें जाएगा और कहा जाएगा बेटा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा इसमें नहीं जाएगा बेटा ये शॉर्ट सर्किट है इसके थ्रू ऐसे चला जाएगा इसके थ्रू ऐसे चला जाएगा तो बेटा ये सिक्स एम्पियर करंट है वो कैसे फॉलो वो कैसे बेटा आपका डिवाइड होगा देखिए ये क्या है बेटा यहाँ पे आपका वन है यहाँ पे क्या बेटा आपका टोटल रेजिस्टेंस फाइव है ठीक है सर मैंने आपको बताया था बेटा क्या करते हैं कैसे करते हैं बेटा दिमाग में करना है ये सब दिमाग में करना बेटा देखिए आप क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे फाइव यहां लिख देंगे बेटा वन ये क्या हो गया सिक्स बराबर कितना हो गया बेटा आपका सिक्स हो गया इट मीनस सर इट सर इट मींस सर आपका आपका बेटा एक बराबर कितना हो गया दैट इज टू हाउ मच बेटा दैट इज सॉरी इसको देखिए ध्यान से देखिए बेटा इसके केस में देखिए इस केस में, के में क्या होगा बेटा आपका ये आपका क्या है बेटा रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे आपका टू रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्या बेटा देखिए ध्यान से यहाँ पे आपका टू रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना बैठा टू है और यहाँ पे क्या बेटा फाइव है

यहाँ पे आ जाएगा बेटा टू और यहां पे आ जाएगा बेटा वन और बेटा क्या हो जाएगा इसको इसका थ्री बराबर कितना हो गया बेटा हो गया इट मीन बराबर कितना हो गया टू हो गया दैट मीस बेटा यहां पे जो करंट है यहां पे जो करंट है बेटा वो कितनी हो गई दैट इज योर और यहाँ पे करंट कितनी होगी बेटा यहाँ पे आपकी करंट कितनी हो गई दट इज योर दैट इज योर बेटा दैट इज योर टू बेटा इसके अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है जब इसको एक्टिवेट हो तो बेटा पे फ्लो कर रही है टू एमपियर करंट फ्लो कर रही है

दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा वन इसमें जाएगा और वन इसमें चला जाएगा बेटा तो बताइए इधर से कितना आ रहा है टू आ रहा है इधर से कितना आ रहा है वन आ रहा है तो जो फाइनल करंट होगा बेटा 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 इसमें दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा जाएगा और इसको क्या करना है? आपको माइंड से करना था ध्यान से करोगे जो हमने अप्रोच आपको सिखाया हुआ है कोई भी करंट डिविजन रूल वोल्टेज वोल्टेडीजन रूल आपको नहीं यूज करना है जो तरीका बताया है उसे करोगे तो विद इन थर्टी सेकंड इसका आंसर आपका निकल के चला आएगा ओके okay, सर किसी को कोई भी डाटर प्लीज देख लीजिएगा कि बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेना है ध्यान से से बेटा बेटा फिर मैं एक बार कि क्योंकि हमारा मेन काम क्या है आपको सिखाना है बिल्कुल भी गलती नहीं करना पहले आपने इसको क्या किया बेटा एक्टिवेट किया इसको डीएक्टिवेट किया बेटा तो ये क्या हो गया शॉर्ट हो गया ये क्या हो गया बेटा शॉर्ट हो गया तो जो करंट आएगी यहां से छह एम वो दो पार्ट में डिवाइड होगी एक इसमें जाएगी और बेटा एक क्या जाएगी इसमें जाएगी ये करंट बेटा ऐसे जाएगी ऐसी जाएगी ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी ये आपका खत्म हो गया ये खत्म हो गया सर तो आपका करंट क्या होगा यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस वन है यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना बेटा टू है अब आपको भैया करंट निकालने के लिए इसको अपोजिट लिख दो तो बेटा इसको अपोजिट लिखोगे तो ये यहाँ पर टू आ जाएगा यहाँ पे वन आ जाएगा ठीक है सर टू तो प्लस वन थ्री बराबर कितना बेटा आपका सिक्स है तो एक बराबर कितना हो जाएगा तो टू हो जाएगा तो टू इंटू टू कितना बेटा फोर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन इंटू टू कितना टू हो, हो जाएगा मतलब सर इसमें जो करंट जा रही है ये क्या जा रही है टू जा रही है किसकी वजह से इस करंट सोर्स की वजह से बेटा और जब इसकी वजह से निकालोगे तो जो करंट होगी वो इधर जाएगी वन और बेटा जब आपको इसका सब करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा वन तो बेटा आपको क्या करना था इसका अप्रोच करना था कैसे बेटा दिमाग से तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इतना देर लिया आपको समझाने के लिए बेटा यही आपको समझाना था कि आप लोग को अप्रोच हमने सिखाया है उससे करिए बिलीव में बेटा माइंड से खेलोगे आप लोग ऐसे क्वेश्चन को जो कि आप लोग नोडल लगाओगे यहाँ वहाँ नोडल लगाओगे हाई करोगे हाउ करोगे, करोगे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा बात आ रहा बेटा बात समझ में आ रहा रही एनर्जी दिखाइएगा एक बार थमी प्रश्न दिखाइएगा ताकि हमको लगे कि हाँ सर बात समझ में आ रही है प्लीज बेटा पूछ लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को आपको सम, सिखाने के लिए आए हैं ये कि हाँ क्वेश्चन करा दिया आंसर बता दिया नहीं बेटा आंसर ऐसे क्वेश्चन को करिए सीखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं बेटा आपको ना कोई बुक में मिलेगा और ना एक बेटा कोई अभी तक बताया होगा सो so, आपको अप्रोच यही रखना है जो बेटा हम आपको बता रहे हैं इसमें किसी को कोई भी बेटा डाउट हो प्लीज पूछिएगा प्लीज इसमें समय ले लीजिए चलेगा बेटा कोई भी आपको डाउट हो प्लीज पूछिए बेटा जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से माइंड में करिएगा करेंट डिविजन रूल वोल्टेज रूल जो हमने सिखाया है उससे करेंगे बेटा तो बिल्कुल भी आपका समय इसमें नहीं लगेगा ओके सर कोई डाउट बेटा किसी को किसी को कोई भी डाउट बैठा प्लीज पूछिएगा इफ नॉट देन प्लीज रेज योर थम्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा ओके okay, सर थैंक थैंक यू यू सो बेटा बेटा तो ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को फिर से घर में प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने बताया है वैसे करिएगा आपका बेटा माइंड सेट हो जाएगा अगर मैं एक बार माइंड बैठ गया ना बेटा तो कोई भी कोई भी एग्जाम आपका बेटा क्लियर हो जाएगा और बेटा ये आपका एग्जाम का जो आया है ये डी एफ सी सी एल में आया है आपका डी एफ सी सी आई एल में आया है दो हजार अठारह दो हजार अठारह में आया बेटा तो ध्यान रखिएगा इसमें बच्चों ने दो तीन मिनट ले लिया था लेकिन हम हमारे मेथड से करोगे तो विद इन थर्टी सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे बस थोड़ा सा आपको क्या करना बेटा प्रैक्टिस करना है जो हमारे अप्रोच है उसको क्या करना है प्रॉपरली फॉलो करना है ओके सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आराम से देखिए और बताइए बेटा क्या होगा बेटा इसका आंसर जल्दी बताइए

बताइए सर क्या आंसर होगा और अप्रोच क्या रखेंगे सिंपल रखेंगे टाइम देखता रहेगा अपना और आंसर बताइए बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से करेंगे और आंसर बताएंगे बेटा बीस सेकंड दे रहा हूं आप लोग को बीस सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए लेकिन फिर भी बीस सेकंड आप लोग ले लो रिलैक्स होकर करिए बेटा फिर हम लोग स्पीड आपको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे सो so, आंसर क्या होगा बेटा इसके लिए वट इज द आंसर फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट द करेंट रेजोनेंस

खेलते करिए बेटा इसका आंसर बताइए बीस सेकंड के अंदर एंड ध्यान रखिएगा रहा हूं क्वेश्चन है हमारा यह मोटिव नहीं होता कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन कराए आंसर बताए क्वेश्चन कराए आंसर बताए नहीं बेटा जो अप्रोच बता रहा हूं, बता 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 रहा हूं उसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा प्रैक्टिस करिएगा आपको बेटा उसका यूज आपको उसका एप्लीकेशन एग्जाम में देखने को मिलेगा बेटा बिलीव मी कहीं भी आपको चीज देखने को नहीं मिलती ओके सर सो क्या होगा सर इसका आंसर बीस सेकंड आपका खत्म हो गया जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपको टाइम देखना है बेटा अपना स्पीड बढ़ानी है बीस सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन नहीं लेना है बेटा ध्यान रखेंगे तो क्या करें बेटा एक करंट ट्रांसफॉर्मर है ठीक है सर ओके सर हंड्रेड बाय फाइव का आपका बेटा रेशियो है ठीक है सर और उसको क्या किया बेटा जोड़ा गया किससे बेटा

जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है सर से अप्रोच सीख चुके हो तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग से करते हैं दस सेकंड भी नहीं लगेगा अगर हमारे कुछ नहीं बेटा ये करंट जो होती है आपके मेन लाइन में काफी ज्यादा होती है इसलिए हम लोग डायरेक्ट एम नहीं लगा सकते इसलिए हम लोग क्या करते हैं कैलिब्रेशन कर देते हैं कि हाँ सर अगर हमारे एम में पांच दिखा रहा है इसका मतलब सर करंट कितना होगा सौ होगा तो अगर हमारे मीटर में एक दिखाएगा तो करंट कितना होगा बीस होगा मेन लाइन में और यहां दिखा कितना रहा है सर तीन दिखा रहा है इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा बस यही तो लाइन थी बेटा तो अप्रोच सीखिए जल्दी करने का अप्रोच सीखो बेटा क्योंकि यही क्या करेगा आपको सिलेक्शन दिलाएगा और आगे बढ़ के ले जाएगा ओके सर गजेंद्र सिंह हमने कहा बेटा हमारा डिटेल हमें आप लेक्चर देख लीजिए आपको कुछ भी दिया होगा आप लोग प्रॉपर कर लोगे बट द अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए है वो ध्यान से देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस प्रीवेशीएफसी सेल में आया हुआ है और इस अप्रोच के साथ करिएगा बेटा बिलीव भी कोई भी आपको कभी भी गलती नहीं करोगे और टाइम के अंदर विद इन टेन सेकंड आप लोग आंसर निकालोगे आपके सामने बेटा मैंने लिख के दिखाया आपको ओके सर चलिए वेरी गुड तो ध्यान से आराम से पढ़िए बेटा अप्रोच सीखिए जो मैं सिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन आंसर करना होता है तो मैं आधे घंटे में आपको सौ क्वेश्चन करा सकता हूं लेकिन बेटा उसको कोई नहीं है आपके पास बुक भी है आंसर भी दिए हुए हैं लेकिन बेटा अप्रोच सीखिए जो कि आपको यहां पे सिखाया जा रहा है और उसको फॉलो करिए बेटा ताकि सिलेक्शन पा जाओ बेटा नहीं तो फिटाफिटो तो टाइम लग जाएगा ओके सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर टेन आराम से बताओ बेटा और अगर आपको सारे अप्रोच अच्छे लग रहे हैं तो बेटा आपको इसको शेयर लाइक करता रहना पड़ेगा ताकि हम बेटा इसको कंटिन्यू करते रहें आपके लिए और अच्छी मेहनत करते रहें बेटा इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्या सर लाइक शेयर बड़ा कर दीजिए बेटा और आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए बिलीव मी बस लाइक शेयर करते रहिए और सर फिर हमारे सरप्राइजेस आगे जो भी आएंगे आपको मिलते रहेंगे बेटा ओके सर तो क्या होगा सर इसका आंसर जल्दी बताइए वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टेन आराम से पढ़ो टाइमर लगा हुआ है

आपका टेन आवर के लिए यूज हो रहा है टेन आवर और बेटा क्या है दस दिन के लिए हो रहा है बेटा तो दस दिन कर लो तो कितना आ आ गया गया बेटा बेटा आपका ये वाट आवर तो वाट 4 वाट आवर तो तो इसको क्या कर कर लो लो में दैट इज इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं समय कम लेना है जल्दी करना है और बेटा आगे बढ़ जाना है सर एनर्जी की यूनिट रखिएगा बेटा क्या होती है दैट इज योर किलो वॉट आवर चलिए सर आंसर जिसका डी आया है वो बिल्कुल सही है बेटा चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर दिस इज द

तो करने का उसको सीखे बेटा डिटेल में जाना होगा तो हमारे लेक्चर को देख लीजिएगा बट अभी जो आपको क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट में अप्रोच बता रहा हूं उससे करिएगा बिलीव मी आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे सर ओके सो रनिंग द मशीन एट नो लोड इज नॉट रिकमेंडेशन फॉर नॉट रिकमेंडेड फॉर एन बेटा क्या होगा बेटा आप लोग क्या कर सकते नो no लोड पर किसान नहीं चला सकते इसको चला सकते हो क्यों? बेटा आप लोग डीसी सीरीज मीटर को क्या कर सकते हो बेटा नो लोड पर ले चलाते हो क्यों सर क्योंकि आपका जो टॉर्क होता है दैट दैट इज इज इक्वल इक्वल टू टू जो कि सीरीज करके जाता है बेटा स्क्वायर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर आपने क्या किया बेटा नो no लोड पे क्या किया बेटा आपने डीसी सीरीज मीटर को चला दिया तो ये सब छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा बेटा और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ओके सर दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेम सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फ्रॉम द डीएफसी बेटा इसमें आप लोग कितना समय ले रहे हो ये देखिए उसके बाद हमको बताइए सर जो हम आपको अपर, अप्रोच बताएंगे उसे करिएगा बेटा और आपका आंसर निकल के चला आएगा विद इन अ सेकंड बेटा मैं इसको करने के लिए 20 सेकंड लूंगा आप लोग इसको करने के लिए कितने सेकंड ले रहे हो और नेस्टली बेटा करिए सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोग करने में कितना समय ले रहे हो एक्सैक्टली सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का आपको मैंने यहाँ पर मैंने लाके रख दिया ओके सर चलिए वेरी गुड तो क्या होगा सर इसका आंसर और बेटा आराम से करिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी डरना नहीं है अभी क्या करना बेटा आप सीखने वाले टर्म में है अभी आप लर्निंग फेज में हो सीखिए करिए गलत करिए होता है तो गलत हो जाएगा ठीक है लेकिन अप्रोच सीखिए बेटा जो हम लोग सिखा रहे हैं हर क्वेश्चन में उसको सीखिएगा ताकि वैसे कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो आप लोग उस अप्रोच से जल्दी विद इन अ सेकंड आंसर को निकाल सकते हो एंड ये जितने भी अप्रोच मेरे बेटा है वो किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेगा ना ही कोई टीचर बताएगा हाँ आज की बात वो कॉपी करके जरूर बताएंगे जो हमारे बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो कॉपी हो चुके हैं आगे भी होते रहेंगे लेकिन उस बेटा उससे हमको फर्क नहीं है आपका सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर और व्हाट इज द आंसर बेटा इन दिस केस व्हाट इज द आंसर बेटा आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे बेटा आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए बेटा और बताइए सर सर इसका सर, इसका आंसर आंसर क्या क्या होगा होगा ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है व्हाट इज द आंसर ही इज आस्किंग द ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच देर इज मैक्सिमम देर इज बेटा मैं पढ़ देता हूं आपके लिए इसको मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं ध्यान से आप लोग देखिए द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस एवील मतलब कि हम लोग आर की वैल्यू क्या रखें बेटा इस वेरिएबल लोड की वैल्यू क्या रखें कि यहां पे हमको मैक्सिमम पावर मिले तो याद है हमको कि जो हमारा लोड का जो वैल्यू है वो आर टी एस बराबर होना चाहिए मतलब कि सर्किट का पूरा रे, के बराबर होना चाहिए बेटा तो कर लो बेटा इसको कर लीजिए और बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर क्या होगा बेटा अप्रोच एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन डीएफसीएल में आया हुआ है और वही अप्रोच हमने बताया बेटा आपको ध्यान रखिएगा आपके बीस सेकंड नहीं बेटा चालीस सेकंड खत्म हो चुके हैं और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है इट स बेटा थोड़ा सा आपको क्या करना है थोड़ा सा प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट आनी है अप्रोच सीखिए जो सिखाई हुई बेटा आपको और आंसर आपका आ जाएगा चलिए देखो बेटा देखो कैसे होगा देखो कैसे होगा हमने क्या किया बेटा इसको ओपन किया हमने इसको ओपन किया और इसको भैया ये वोल्टेज शोर से शॉर्ट कर दिया इसको शॉर्ट कर दिया बेटा ये शॉर्ट हो गया बेटा ये भी क्या हो गया बेटा वोल्टेज शोर इसको भी शॉर्ट कर दिया अब देखो बेटा ये दोनों क्या है ये और ये क्या बेटा पैरल में है ये क्या बेटा पैरल में तो क्या हो जाए बेटा ये एक दुना के दो वन टू टू होता है ना बेटा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर टू बाई थ्री हो जाएगा

तो आपको पचास मिल जाएगा इक्कीस 42 मतलब, 42 मतलब दो से थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो जाए जाए से थोड़ा सा करोगे तो कितना जाएगा वो साठ हो जाएगा लेकिन मतलब तीन से नीचे दो से ऊपर तीन से नीचे दो से ऊपर भैया जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक मारो और आगे बढ़ जाओ बेटा तो ऐसा ऑप्शन क्या है बेटा एक ही है तो हमने इसीलिए कहा आपको सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा

ये हमारे खुद के अप्रोच है बेटा और इस अप्रोच को करके बच्चे बहुत बच्चे सिलेक्शन पा चुके हैं पिछले दो तीन साल में और अगर भी आप भी करोगे तो सिलेक्शन पा जाओगे आपका बेटा बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है सर ओके किसी को यह समझ में नहीं आया बेटा प्लीज पूछिएगा इफ एनी वन हैव एनी डाउट बेटा प्लीज पूछिएगा ओके वेरी गुड किसी को कोई भी डाउट बेटा प्लीज पूछिए देखिए बेटा यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है सर ये एक है दो पैरल में है तो एक के दो होता है बड़ा नंबर क्या है दो है बेटा दो, 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 दो प्लस वन कर दो, कर दो, दो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात बेटा इसको क्या कर लो आर वन कर लो बेटा चार बारह चार प्लस दस हो गया अब ये दोनों क्या है सीरीज में बेटा जोड़ दिया अब यहां पे अप्रोक्सीमेट कर दो और बेटा आपका आंसर निकाल दो बेटा तो ये छोटी छोटी चीजें सीखिए बेटा पूरा आंसर नहीं निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं ओके सर चलिए

चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन सिंपल क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन बेटा सिंपल क्वेश्चन है इसमें दस सेकंड लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दस सेकंड लीजिए और आंसर बताइए ये, ये क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देते हैं ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दस सेकंड दीजिए इस क्वेश्चन में बेटा इससे ज्यादा आप लोग को आंसर इसमें क्वेश्चन में समय नहीं देना है दस सेकंड का इसमें आप लोग समय लेके आंसर बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर चलिए वेरी गुड वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके ओके बेटा वेरी गुड ओके सर चलिए व्हाट इज आंसर बेटा व्हाट इज द व्हाट इज द आंसर बेटा व्हाट इज आंसर चलिए वेरी गुड चलिए व्हाट इज द आंसर इन दिस केस बेटा व्हाट इज द आंसर इन दिस केस चलिए वेरी गुड हम्म बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही बेटा देखो बेटा कोशिश क्या होती है इसमें इसमें थोड़ा सा आप लोगों को उसने कंफ्यूज करने के लिए बेटा दिया दिया यहाँ पे यहां पे आपको से थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया बेटा दो तरह के ऑप्शन दे दिए हैं इसमें से आपको या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा क्योंकि आपका क्या होता है एल और सी क्या होता है पैरेलल में लगता है बेटा और हम लोग कोशिश करते हैं कि टैंक देखो इंडक्टर और प्योर इंडक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेटा क्योंकि हर क्वाल का रेजिस्टेंस होता है कुछ न कुछ तो बेटा हम लोग यहां कि, कि हमारा जो हो, उसमें क्या होगा बेटा डी विद कंफ्यूज किया था ताकि बच्चे करें गलती कर दे भैया ऑप्शन पहला दे दिया बेटा नहीं इसको नहीं ऑप्शन होगा इसका आंसर क्या होगा डी होगा बिकॉज आपका सिर्फ सिंपल इंडक्टर लोगे और कैपेसिटी लोग तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि बेटा आप लोग इससे शो करोगे तो मतलब हमने रेजिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है नेग्लेक्ट कर दिया है दैट मींस योर आंसर विल बी अ प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड इन

ऐसा याद रखिएगा बेटा हमने जो अप्रोच बताया है वो यूज करोगे दिमाग में आप क्या अप्रोच हो वो गलत अच्छा है लेकिन वो बेटा हमारा जो अप्रोच है वो टाइम कम लेता है इसलिए आपको सिखा रहे हैं बेटा ओके सो वट इज द आंसर इन बेटा देखिए क्या दिया है दो कैपेसिटी आपके आपका क्या बेटा में ये पांच है ये क्या बेटा दस है ठीक है बेटा ये पांच है दस है

और इसके बाद क्या करो बेटा इसके बाद देखिए करिए जो भी आप लोग करोगे ओके सर ओके वेरी गुड उसके बाद यहां पे क्या आएगा बेटा यहां पे आ जाएगा आपका

सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था बेटा नहीं समझ में आ रही ये सारे ट्रिक हमने बेसिक में आपको बता रखे हैं सॉल्व कर सको ओके कोई डॉट बेटा किसी को अगर राम सिंह बेटा क्वेश्चन को लगाना टाइम के अंदर लगाना ही इंपॉर्टेंट है आज के इस युग के बेटा क्या सिलेक्शन में क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ है बेटा आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को विद इन टाइम निकाला बेटा ओके okay. एक बार अगेन प्लीज सर बेटा देखिए मैंने ये सिखाया हुआ है आप लोग जब लेक्चर देखोगे तो वहां पे आपको जल्दी समझ में आएगा लेक्चर में देखिएगा बेटा हमेशा याद रखिएगा आप लोग अब जो भी आपकी वैल्यू दी होती है पांच और दस इसको उल्टा कर दिया करो उल्टा कर दो जो यहां पे लिखा है उसको यहां लिख दो और जो यहां लिखा है बेटा उसको यहां लिख दो ठीक है बेटा उसके बाद इसको जोड़ोगे जोड़ के कितना गया पंद्रह बराबर कितना हो गया दो हो गया बेटा तो एक बराबर कितना हो गया आपका दो सौ बाहर तो बेटा ये जो आप लोग क्या करोगे यहां दस है तो दस से क्या करोगे बेटा आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा क्या हो जाए बेटा दो सो बाह पंद्रह बेटा तो ये माइंड से करोगे तो हो जाएगा पांच होगा

सिंपल में। में क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे और बेटा कुछ चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा बिकॉज तो आप चाहते हो कि ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो कंसिस्टेंटली बरकरार रहे आगे भी चलती रहे तो बेटा आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा लाइक शेयर करना पड़ेगा बेटा नहीं तो फिर क्या फायदा

individual maximum load this is sum of individual maximum load beta individual maximum load upon upon maximum load upon maximum load on the system maximum load upon on the system beta ठीक है बेटा तो ये क्या होगा बेटा आपका यहाँ देखिए मान लीजिए आपका दिया हुआ है करके दिया हुआ है मान लीजिए ठीक है बेटा तो ये क्या बेटा ये आपका क्या है ये आपका सबसे मैक्सिमम लोड है ये आपका आ जाएगा डिनोमीटर में और आपका जो ये छोटे मैक्सिमम है ये क्या हो जाएगा बेटा इसको ऐड करोगे ये ऊपर आ जाएगा मतलब सर आपका डायवर्सिटी फैक्टर क्या होगा हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा एक से बड़ा होता है ये हमेशा क्या होता है बेटा एक से बड़ा होता है बेटा याद रखिएगा दैट इज डायवर्सिटी फैक्टर इज योर ऑलवेज ग्रेटर देन वन बेटा सो आंसर क्या होगा बेटा इसमें आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है बेटा तो ध्यान से करिए और आपको आगे आने वाले जितने भी सीरीज हैं उसमें आप लोग आपको सरप्राइज देंगे बट द कंडीशन इज वन बेटा बस सपोर्ट करिए लाइक शेयर कर दीजिएगा बिकॉज बेटा हमारा मोटिवेशन वही है कि आप लोग बेटा लाइक like शेयर कर दिया करो ओके सर चलिए सो so, बेटा ये चीज समझ आ गई आज हमको थ्री डिजिट चाहिए बेटा किसी भी तरह से हमको आज थ्री डिजिट चाहिए और मेहनत करेंगे बेटा मेहनत करिए और आंसर आ जाएगा बेटा इसमें किसी को कोई भी डाउट बेटा प्लीज पूछेगा को इसमें दिक्कत नहीं आएगी सर चलिए आगे बढ़ते बेटा आगे बढ़ते हैं ओके सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अगेन बेटा बीस सेकंड टाइमर बीस सेकंड लगाइए बेटा डीएफसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने अप्रोच बताया है उससे करिए 20 सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर आ जाएगा जो बच्चे नए हैं बेटा उसको सीख लीजिएगा और एग्जैक्टली वही सारी वैल्यू है जो बेटा उसमें आई हुई थी हमने कोई भी चेंज नहीं किया है बस हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं अप्रोच सिखाना चाहते हैं जो कि बेटा आप लोग इसमें लगा के जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हो ओके सर चलिए वट इज आंसर बेटा व्हाट इज आंसर बेटा मैंने इसको ज़ूम कर देता दो बेटा इसमें जूम कर दे थोड़ा सा ओके सर लेट मी ज़ूम इट इसमें पूछ रहा है भैया करंट आई क्या होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई आई की बेटा वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है ध्यान से करिए आराम से करिए बेटा और इसका आंसर दीजिए सर इसका आंसर क्या होगा टाइमर देखते रहिएगा बेटा और अपने आंसर जितने सही हो रहे हैं टिक करिएगा जितने गलत हो रहे हैं बेटा उसको क्रॉस करते रहिएगा बिकॉज हमारा एनालिसिस बहुत जरूरी है इंप्रूवमेंट चाहिए है तो बेटा हम आपको फोन करेंगे उस समय आपको बेटा बताना पड़ेगा कि हाँ सर हमारा ये गलत और गलत हो गया था और हम आपको आप फिर गाइड करेंगे सर बच्चों को गूगल फॉर्म दे दीजिएगा बच्चों को ताकि हम बच्चों से हम बात कर सके सर ओके सर वट इज आंसर बेटा इन दिस केस इस केस में आंसर क्या होगा बेटा देखिए बीस सेकेंड काफी खत्म हो गया पहले का ही ओके सर वेरी गुड यस सो so, देखिए बेटा ध्यान से देखेंगे इस कांसेपुरा ये रहा आई ये रहा बेटा आई पूछ रहा है कि इसमें भैया आई कितना होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई आई की वैल्यू बेटा क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है तो ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखिएगा दिक्कत क्या कर रहा है बेटा ये आपको दिक्कत कर रहा है क्या कर रहा है बेटा ये आपको दिक्कत कर रहा है कौन सर आपको ये दिक्कत कर रहा है तो इसको रिप्लेस कर दो बेटा इसको रिप्लेस कर दो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे दिमाग में क्या किया बेटा मैंने यहां इसको बना लिया इसको दिमाग में बनाया बेटा यहाँ पे क्या लग दिया छे वोल्ट यहां लिख दिया बेटा क्या इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो तो कितना बेटा ये हो जाएगा आपका चार वोल्ट हो जाएगा और इसके साथ में क्या आ जाएगा बेटा रेस्टर्स आया दो का का रिजिट आ गया बेटा और सर यहाँ पे आठ है

टू थ्री जै सिक्स टू एल सिक्स बेटा अब देखिए बेटा एक बाय आठ आपको सिखाया था कितना होता है ये होता है बारह पॉइंट फाइव इसको बेटा क्या करोगे तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा ये

ट वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और हर क्वेश्चन हम आपको 30 के अंदर करा के दिखा रहे हैं ताकि भी आप भी इसको और तीस सेकंड के अंदर करिए लेकिन जनरली करोगे बेटा तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा आपको ज्यादा समय नहीं देना है इस बात को ध्यान में रखिएगा ओके सर तो दिमाग में हमेशा चीज को बैठा के रखोग बेटा और कोई भी डाउट नहीं आएगा ओके सर चलिए वेरी गुड दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल है आसान है करोगे तो हो जाएगा समय लेना बेटा इसमें तो समय कम लेना है टाइम में लगा दीजिएगा वेरी गुड वेरी गुड कितना होगा सर आंसर आराम से बताइए बेटा आंसर कितना होगा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हर क्वेश्चन को बेटा जो हम आप, आपको अप्रोच आप बता रहे हैं उससे करिएगा बिलीव भी आपके बहुत समय बचने वाला है ये मैं बार 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 बेटा रिपीट सर बार बार आप रिपीट कर रहे हो क्यों कर रहे हो करवा क्योंकि बेटा हर एक बच्चा जो बार बार सुनेगा और जो अप्रोच सीख जाएगा हमारा तो बेटा उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा बेनिफिशियल रहेगा इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं बेटा कि सीखिए और आगे बढ़िए सर तो डेसिमल में दिया बेटा किसी में पूछा है बेटा बाइनरी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा ये सोलह लिखते ना बेटा ऐसे ऐसे लिखते ना बेटा क्या लिखते हैं इसके लिए इसलिए लिखते हैं भैया सोलह आठ चार दो वन तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे भैया कितना हो गया सोलाह सोलह चार बीस दो बाईस तो भैया ये एक हो गया ये जीरो हो गया ये एक हो गया ये एक हो गया और ये जीरो हो गया बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए क्या कहा लिखा है वन जीरो वन वन जीरो कहां लिखा, लिखा बेटा वो यो यहा लिखा है बेटा तो सिंपल सा ये ट्रिक्स को पता होगा नहीं पता होगा बेटा तो सीख लीजिएगा कुछ नहीं बेटा होता ना सिक्सटीन एट फोर टू वन फिर इसके आगे बत्तीस होता है बड़ा सिंपल है ध्यान के रखना है आपको इस अकॉर्डिंग चलना है आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर इज बेटा ए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं सिंपल तरीके से करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं दिस इज द क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर बेटा एटीन अच्छा क्वेश्चन है और आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच करिए जो कि आप लोग कर सकते हो अगर जो हम आपको आप, अप्रोच आप बता रहे हैं उससे करोगे तो अदरवाइज बेटा फिर तो समय ज्यादा लग जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन डीएफसीएल ने अच्छे दिए प्रीवियस ईयर भी और इस साल भी अच्छे ही देगा क्योंकि बेटा

आयरन लॉस कुछ नहीं होता बेटा इसको कोर इसको कोर लॉस भी बोलते हैं क्या भी बोलते हैं और याद रखिए बेटा ये हमेशा याद रखिएगा जो आयरन लॉस लॉस होता होता है है या कोर ट्रांसफॉर्मर का वो लोड करंट लोड पे डिपेंड नहीं करता बेटा वो कभी भी लोड पे डिपेंड नहीं करता है लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है सर तो अगर वो फुल लोड पे चार सौ है तो हाफ लोड पे भी क्या होगा बेटा आपका चार सो वाठी होगा और ये क्वेश्चन लास्ट

हमारे अप्रोच से करिएगा इस क्वेश्चन को बिना पेन पेंसिल कर ले जाओगे दिमाग से जो हमने सिखाया आपको एप्रोच, है आपको अप्रोच उसको लगाइए और क्वेश्चन बेटा बेटा आपके दिमाग से होंगे बिलीव मी समय समय बचेगा समय बचेगा तो और ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और फाइनली सिलेक्शन पा जाओगे इसमें लगाओगे नोडल फोडल लगाओगे हाई करोगे केवल किसे लगाओगे बेटा समय जाएगा नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर नहीं जाएगा, आएगा आएगा लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा बेटा तो समय हमको नहीं लगाना है और आंसर इसका बहुत ही जल्दी निकालना है बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आराम से बताए बेटा क्या पूछ रहा है बेटा

ध्यान से देखिए और सीखिए बेटा सीख जाइए बेटा सीखना इंपॉर्टेंट है ध्यान सीखिए बेटा देखिए यहां पे अगर मैंने क्या किया बेटा ये हमारा जो करंट है ये हमारा करंट यहाँ चला वन, वन करंट यहां पे आ गया अब ये क्या होगा डिवाइड होगा डिवाइड होगा बेटा तो यहां पे देखिए कितना है ये पांच है और ये दोनों सीरीज में है तो कितना होगा बेटा यहां पे दस हो गया होगा बेटा ये देखो पांच है ये क्या बेटा पांच है यहाँ पे यहाँ पे दस है अब इसको उल्टा कर लो यहाँ क्या हो जाएगा दस हो जाएगा यहाँ पांच हो जाएगा अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया पंद्रह बराबर कितना होगा बेटा पंद्रह बराबर हो गया आपका कितना करंट है वन बेटा एक बराबर कितना हो जाएगा एक बेटा पंद्रह और बेटा हमारा यहाँ पे कितना है यहाँ पे बेटा कितना है दस बाय है तो हम दस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ दस और हमको तो हमारा वोल्टेज आपका हमको क्या है जी? ये करंट है बेटा इसमें यहाँ के रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ फाइव हो जाएगा बेटा तो दस बाय पंद्रह दस बाय पंद्रह इंटू क्या कर दो बेटा फाइव कर दोगे तो न् कितना बेटा ये हो जाएगा फाइव थ्री फिफ्टीन इट मीन सर पहला वोल्टेज क्या आ गया

किसी को इसमें कोई भी डाउट बेटा प्लीज पूछिएगा क्योंकि ये सारे जो हम अप्रोच बता रहे हैं बेटा करोगे क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे नोडल हाँ भैया चलो नोडल लगा लिये यहां लगाओगे फिर यहां लगाओगे उसके फिर करोगे उतना समय कहा है बेटा मैं ये नहीं सर हम अप्रोच बता रहे हैं उससे करिए बिलीव बेटा कभी भी एग्जाम में आप लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा और सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे बिलीव मी पहुंच जाओगे अगर हमारे अप्रोच को सीखोगे ओके सर चलिए तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा क्या है इसके लिए आंसर क्या होगा बेटा बेटा हो गया द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिंपल क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लेंगे आराम से करिए बेटा इसका आंसर बताइए और आगे बढ़ते हैं वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगेन प्रीवियस क्वेश्चन बेटा मैंने कहा आपसे कि मैं सारे क्वेश्चन के लाया हूं के ताकि आप लोग जज करो खुद को अगर आपका आज ही एग्जाम हो गया तो आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो ये जज करना है और जो अप्रोच मैं सिखा रहा हूं उस पर वर्क करना है ताकि बेटा आने वाले एग्जाम में आप लोग सिलेक्शन पा जाओ बेटा उससे नीचे कभी सोचिएगा भी मत कि अगले साल करेंगे नहीं बेटा अगले साल कभी नहीं आता इसी साल सिलेक्शन पाना है दो महीने बहुत हैं हमारे साथ जुड़े रहिए सीखिए जो सिखा रहे हैं और बेटा आपका आंसर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सो आंसर क्या बेटा बच्चे इसमें क्या करेंगे आप चेक करेंगे अरे गूगल करते गूगल करते हाँ गूगल करो बेटा गूगल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा उतना समय वहां पे एग्जाम में कैसे गूगल करोगे वहां पे कर नहीं पाओगे बेटा तो ये क्या है बेटा ये आपका क्या है और गेट है सर सर और ए ए ए प्लस बी क्या क्या होता होता है है बेटा आपका ही इस बात को हम इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन ट्वेंटी वन सिंपल क्वेश्चन है आराम से इस क्वेश्चन को करोगे हो जाएगा इसमें क्या करेंगे बेटा गलती करने की चांसेस ज्यादा है जब आसान क्वेश्चन गलत होते हैं ना बेटा तो काफी ज्यादा दुख होता है इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो आसान होते हैं उसमें गलती करने की चांसेस कम रखिए और इसको सॉल्व करिए बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बिलीव बेटा आज आपका टेक नॉन टेक दोनों है याद रखिए बेटा आज अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व कर लो दोबारा बेटा तो बिलीव मी अप्रोच सीख लोगे तो बेटा आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में सो प्रॉपरली बैठिए सीखिए और बेटा अपने इस आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाइए कि हाँ सर हमने आज डी पी का एग्जाम दिया है और बेटा उसको सीख के आगे बढ़ना है ओके okay, सर सो वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आराम से जो पहली बार में आपके दिमाग में, में वो आंसर सही होता, है, गलत होता है तभी ठीक है बेटा गलत होता है तो उससे इंप्रूव कर जाना कभी भी कमेंट बॉक्स में हाँ उसने आंसर क्या दिया है मैं भी वही दूंगा नहीं बेटा वहां पे एग्जाम में कोई भी आपका कमेंट बॉक्स नहीं चलेगा इसलिए बेटा खुद के साथ ऑनेस्टी दिखाइए और बेटा आगे बढ़िए ओके सर So, answer क्या होगा बेटा इसके लिए परमिटिविटी परमिटिविटी बेटा देखिए याद है ये, ये temporal... है 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 ये 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 बेटा बेटा नहीं क्या ओके -E okay, सर तो के लिए ये बच्चे क्या गलती करेंगे इसने option दिया पहला इसलिए दिया था कि बच्चे क्या कर बेटा इसका आंसर ये मार दे, ये, ये क्या होता है बेटा परमिबिलिटी होता है सो दिस आंसर बेटा ये आंसर नहीं होगा और बच्चे क्या कर गलती करेंगे यहां भैया

कमेंट बॉक्स में मत देखिए कौन क्या दे रहा है बेटा जाने दो तो जो बच्चे दे रहे हैं आंसर देने दीजिए खुद पे भरोसा रखिए सही हो रहा है तभी ठीक है गलत हो रहा है तभी ठीक हो रहा है बेटा गलत हो जाता है तो उससे इंप्रूव करके आगे बढ़ जाएंगे ये मेंटालिटी रखिए बेटा और इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए बेटा इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टिक मार्क करते करिए सारे आंसर आप लोग लास्ट में चेक करेंगे सर हमारे आंसर कितने सही हुए हम नहीं पूछेंगे बेटा हम नहीं पूछेंगे आप खुद क्या करेंगे बेटा अपना एनालिसिस करेंगे और बेटा इससे इंप्रूव करेंगे सीखेंगे और अपना फाइनल एग्जाम में फोड़ के आएंगे क्या करेंगे सर फोड़ के आएंगे सो प्लगिंग मेथड क्या होता है ऑफ ब्रेकिंग इज अप्लाइड

वट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरी पॉइंट ओके सर ओके बेटा नितेश बेटा ओके बेटा नितेश ध्यान से करिए क्वेश्चन को ओके सर और आंसर का आंसर क्या होगा सर वट इज द आंसर फॉर क्यूरी पॉइंट ट्वेंटी थ्री ओके वेरी गुड बेटा वेरी गुड सिंपल बेटा तो सिंपल है याद रखेंगे आज के बाद सीख लेंगे आज पर गलती नहीं करेंगे सर ओके देखिए बेटा ये क्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे बेटा क्या होता है आपका जो मैग्नेट होता है जो मैग्नेट होता है बेटा अपना तो अपना क्या करता है बेटा तो? अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है जो मैग्नेट होता है बेटा तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा क्यूरी पॉइंट कहते हैं इस बात को याद रखिए बेटा द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी

वो कैसा होना चाहिए मस्ट है बेटा मस्ट है बेटा वहां पे रिलेक्टेंस कम होना चाहिए बेटा ताकि क्या हो बेटा हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो अच्छे से मूव कर सके बेटा उसके उसको कोई अपोज ना करे बेटा तो उसको अपोज ना करे मतलब सर हमारा जो पाथ होना चाहिए वो होना चाहिए रो लो रिलेक्टेंस पाथ होना चाहिए बेटा सिंपल क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी आगे बढ़ते हैं बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अगेन बेटा अगेन सेम क्वेश्चन अलग तरह का क्वेश्चन अप्रोच सर हमारा यूज करिएगा बेटा मैं फिर से कह रहा हूं सारे अप्रोच 99 परसेंट क्वेश्चन हमारे अप्रोच से आपके सॉल्व हो जाएंगे ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर बेटा सॉल्व होंगे दिमाग में इसको लगाइए आपने लगा दिया टाइमर बेटा टाइमर लगा दिया बच्चे ने बीस सेकंड के अंदर सॉल्व होता है अच्छी बात है नहीं होता तो बेटा सीखिए खेलिए और आगे बढ़िए बेटा ये सब गेम है बेटा पजल है इसमें कुछ कंडीशन होती है उसको सीख लीजिए ऐसे पजल तुरंत सॉल्व होंगे बिलीव मी सिलेक्शन भी होगा बेटा सिलेक्शन भी होगा बस आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी बरकरार रखनी है डरना नहीं है बेटा और सीखते रहना है ओके सर सो व्हाट इज द आंसर बेटा 99 बेटा सेंचुरी चलने वाली है 99 हो चुके हैं बच्चे एंड आई वांट दैट सच सेंचुरी शुड बी देयर ओके बेटा ओके वेरी गुड व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है हमसे सुपर पोजिशन लगाओ बेटा देखेंगे मन करेगा लगाएंगे मन करेगा नहीं लगाएंगे बेटा ट्रिक सीखेंगे ट्रिक से सीखेंगे बेटा और इस क्वेश्चन को करेंगे व्हाट इज द आंसर बेटा 20 सेकंड कब खत्म हो चुके हैं आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है आई वांट एवरीवन शुड गिव द आंसर बेटा, पूछ रहा है, इसके अस वोल्टेज क्या होगा तो चलो बेटा, देखते हैं इसको इसको बेटा, क्या करो पहले क्या करते हैं बेटा इसको डीएक्टिवेट करो इसको उठाओ बेटा जब इसको डिएक्टिवेट करोगे करंट सोर्स है ओपन कर दिया तो इसकी वजह से यहां वोल्टेज क्या होगा ध्यान दे दस है। तो एक कितना हो जाएगा? आपका टू पॉइंट फोर मतलब सर इसकी वजह से जो वोल्टेज है इसकी वजह से जो वोल्टेज है यहां कितना आ गया 2.4 आ गया सर बिल्कुल भी सही है सर बिल्कुल सही है सर ये सब दिमाग में करना है मैं आपको सिखा रहा हूं बस यहाँ पे समझाने के लिए इसको लिखता नहीं हूँ बस दिमाग से करना बेटा ये सारे ट्रिक हमने बेसिक लेट्रिक में सिखा रखे हैं याद रखिएगा है। अब बेटा अब हमने क्या किया इसको क्या करेंगे बेटा इसको अब डीएक्टिवेट करेंगे इसको एक्टिवेट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो गया अब सर इसकी वजह से देखो बेटा यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना है पांच है यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है पांच मतलब करंट है वो इक्वली डिवाइड होगा यहाँ पे कितना टू पॉइंट फाइव जाएगा मतलब सर यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा वो कितना टू पॉइंट फाइव इंटू आर दट इज योर फाइव वोल्ट भैया ये भी क्या हो जाएगा फाइव वोल्ट तो इसकी वजह से फाइव वोल्ट इसकी वजह से टू टू पॉइंट फोर वोल्ट तो आंसर कितना पांच प्लस दो सात मतलब बरकरार रखिए और जो हम अप्रोच सिखा रहे हैं उसको करते रहिएगा आपके लिए आगे सरप्राइजेस लाते रहेंगे और आपको बेटा सिलेक्शन दिला के रहना है इतना बेटा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप लोग अप्रोच में साथ दोगे बेटा कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा एंड आपको वो सीखना है बेटा टाइम देखिए हम थर्टी सेकंड के अंदर इसको कर, अगर समझा सकते हैं तो बेटा आप लोग भी सेकंड के अंदर इसको इसको कर सकते हो इसको याद रखिएगा ओके सर किसी को कोई भी डाउट बेटा प्लीज पूछिएगा इफ यू हैव एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क इफ नॉट देन वी शुड मूव फॉरवर्ड बेटा वी शुड मूव फॉरवर्ड ओके सर थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड यही एनर्जी बेटा हम लोग को आगे लेके चलनी है सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर डी एफ सी आई एल सिंपल क्वेश्चन है आंसर बताइए पता, और इसका बेटा पता, आप लोग बताएंगे इसका फुल फॉर्म पता, पता, भी क्या होता है वो बता दो पहले इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पहले वो बताइए बेटा उसके बाद सर यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी कुछ जा चुका है उसको भी बता देंगे ओके okay, सर

नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन बेटा इसमें बच्चे गलती करेंगे देखो बेटा क्या कर रहे हैं स्विच कर रहे हैं हम एक सब्जेक्ट से

ट इज दंसर इन दिस केस अगेन दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट योर आंसर वेरी गुड मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे बेटा क्या कर रहे हैं इसका आंसर गलत दे रहे हैं ओके सर यह भी बता रहा हूं आपको मैक्सिम बच्चे तो आंसर दे रहे हैं बेटा लेकिन मैक्सम बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर गलत दे रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने क्या किया प्रीवियस का क्वेश्चन उठा लिया है उसको देखा होगा और उसमें आप उसके अकॉर्डिंग पे आंसर दे रहे होंगे लेकिन बेटा हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है और बेटा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है सर वट इज द आंसर इन दिस बताइए बेटा ओके बेटा वेरी गुड सर वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जल्दी बताइए बेटा ओके सर

तो इसका आंसर क्या होगा सर सी होगा याद रखिएगा एग्जाम में उसने क्वेश्चन क्या पूछा था आपका ओवर डैम और अंडर डैम पूछा था जिसकी वजह से आंसर बी आ रहा था लेकिन हम बेटा हमने यहां पे थोड़ा चेंज कर दिया हमने अंडर डैम को अंडैम कर दिया है जिसका मतलब जीटा क्या होता है अंडैम के लिए बेटा

तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए बेटा समझ के पढ़िए और गलती नहीं करनी बेटा सारी गलती यहां कर लो इस प्लेटफॉर्म पे ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो सके अगेन सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा अगेन सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम चाहते हैं हमारे अप्रोच से करिए जो सिखाया है बेटा कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होता है हमारे अप्रोच से नाइन्टी नाइन परसेंट क्वेश्चन कर सकते हो वो भी बेटा सेकंड विदिन सेकंड बेटा और यहाँ पे बच्चा मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम टीचर्स भी आते हैं बेटा सीखने के लिए कि हाँ ये जो हम लोग नया अप्रोच सीख रहे हैं वो क्या है बेटा बिलीव मी बहुत सारे टीचर भी हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं ताकि वो जो हम अप्रोच बनाए हुए हैं वो सीख सके और अपने बच्चों को बता सके बेटा अच्छी बात है नॉलेज बांटनी चाहिए बेटा लेकिन आपको नॉलेज लेके अप्रोच सीख के सिलेक्शन पाना है बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा और आंसर बताइए बेटा वट इज द ज बेटा, ओके गुड बेटा व्हाट इज दिस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सप्लाई वोल्टेज कितना होगा सर पूछ रहा है सप्लाई करंट क्या होगा सर और वोल्टेज कितना होगा सर बता रहा पूछ रहा है अब इस क्वेश्चन को जो जितना जल्दी करेगा उतना उनके लिए उसके लिए एडवांटेज होगा सर जो जितना जल्दी करेगा बेटा उसके लिए उतना एडवांटेज होगा बेटा तो ध्यान से होगा सेकंड इज मोर देन एनफ फॉर दिस क्वेश्चन बेटा जितना डरावना ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही इसका जल्दी आंसर आता है बेटा अगर ध्यान से करोगे तो वट आंसर बेटा इज द आंसर बेटा चलिए चलिए वेरी गुड ओके ओके सर वेरी गुड बच्चे दे रहे हैं बी दे रहे हैं सी दे रहे हैं चलो कोई देखा जाएगा आंसर क्या आएगा बट आप लोग इसको इन्वॉल्व रही है सोल्व करने की कोशिश करिए बेटा बिलीव मी जो हम अप्रोच बताए करोगे तो आपका आंसर आएगा देखते क्या आएगा आंसर बेटा देखते हैं ये क्या बेटा यहाँ है आपको आठ होम दिया है और इसके इसके थ्रू करंट दिया हुआ है इसके थ्रू करंट कितना दिया बेटा थ्री दिया हुआ है, कितना बेटा यहां पे वोल्टेज कितना बेटा यहाँ पे वोटेज होगा ट्वेंटी फोर यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया ट्वेंटी फोर बेटा ये पैर में है यहाँ पे वोल्टेज कितना ट्वेंटी फोर तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहां पे जो आई थ्री हो जाएगा करंट कितना यहाँ पे आपका ट्वेंटी फोर बायर फोर ट्वेंटी फोर और फोर फोर बेटा या फिर इसको दो, 8, 3, 24 और एटीन थ्री कितना बेटा हो गया तो इसमें करंट कितना बेटा थ्री है इसमें करंट कितना हो हो गया गया इसको जोड़ोगे तो पे करंट कितना हो आपका फोर पॉइंट फाइव देखो फोर पॉइंट पॉइंट फाइव का है बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन है और सी भी है इसलिए हम लोग वोल्टेज को भी निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या है बेटा आपको चौबीस वोल्ट है यहाँ पे चौबीस वोल्ट हो गया बेटा अब इन दोनों का क्या है बेटा इसको सीरीज में लगे हुए हैं तो चौदह चौदह ओम का आपका रेजिस्टेंस है और करंट कितना बेटा फोर तो तो इसको करो, इसको करो करो तो और प्लस नीचे चौबीस दिया, दिया हुआ है तो भैया आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो आपका सत्तर अस्सी अस्सी के आसपास आएगा मतलब सर अस्सी के आसपास जो वोल्टेज होगा वही सही होगा बेटा तो इसमें छत्तीस दिया हुआ है मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा तो हमने फिर से कहा बेटा आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करा करिए बेटा ध्यान से करिए ऑप्शन के, के थ्रू आंसर नहीं देख के आगे बढ़ा करिए बेटा ये आपके लिए बेस्ट मेथड होगा किसी भी एग्जाम को करंट okay, तो कितना निकल गया आपका 4.5 आ गया तो भैया उसके बाद ऑप्शन बचे तो यहां पर आया है और यहां पर कितना बेटा करंट कितना है बेटा तो चौदह इंटू करोगे बेटा फोर पॉइंट फाइव छप्पन होता है बेटा तो छप्पन में जोड़ोगे अस्सी के आसपास आ रहा है बेटा मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर और आगे बढ़ जाएंगे दिस इज द अगेन क्वेश्चन नंबर आराम से देखो सीखो और बेटा आगे बढ़ जाओ बिकॉज जीत है जीतना ही बेटा किसी भी हालत में हारेंगे नहीं सीखेंगे लड़ेंगे डरेंगे भी नहीं और गिरेंगे तो उठ के आगे बढ़ जाएंगे ओके सर तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड आई वांट दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट बेटा वेदर योर आंसर इज कमिंग रॉन्ग और राइट ड मैटर बेटा सीखने आए हैं सीख के जाएंगे और जितनी गलती करनी है बेटा यहां कर लेंगे एग्जाम में नहीं करेंगे ओके सर सो व्हाट इज आंसर बेटा भैया वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए बेटा क्या होता है ये वी एट नो लोड

क्या करने के लिए बेटा वोल्टेज रेगोलेशन निकालते हैं वक्त ओके सर चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन था ये लेकिन प्रीवियस ईयर में आ चुका है बेटा प्रीवियस ईयर में आ चुका है अगेन दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी है आपको सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसमें ज्यादा हम लोग वक्त नहीं जाया करेंगे बेटा जल्दी बताइए बेटा इंटीग्रेटिंग मीटर क्या होता है बेटा करंट नहीं बेटा फेस छोड़ो होटा वोल्टेज नहीं बेटा एनर्जी मीटर इज द

क्वेश्चन नंबर इसमें मैक्सिमम बच्चों की गलती क्या होती है जल्दबाजी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं में बेटा दो दो वर्ड ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको बट बिलीव मी बेटा आज के बाद वो कंफ्यूजन नहीं आएगा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए बेटा ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप क्या करते हो वायर को खींच के लंबा कर देते हो दैट इज कॉल्ड बेटा वट दैट इज कॉल्ड बेटा वॉट बेटा दैट इज कॉल्ड बेटा मैंने वही कहा ना बेटा मैक्सिमम गलती इसमें क्या होती है कि हमको लगता है सर हम खींच रहे हैं हम खींच रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं सर हम खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर इसका आंसर दे देते बच्चा आंसर ये मैलिमिली देते लेकिन ये आंसर बेटा गलत है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच यू कैन मेक अ थिन वायर इज कॉल्ड बेटा डक्टिलिटी दैट इज कॉल्ड बेटा डक्टिलिटी बेटा इस बात को याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज बेटा डी द करेक्ट आंसर इज बेटा डी दैट इज डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउ टू पुल इट अ वायर बेटा दैट इज कॉल्ड योर डक्टिलिटी ओके सर ज नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए जल्दी से बताइए बता आगे बढ़ जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए इज द आंसर वट इज द बेट आंसर चलिए वेरी गुड बेटा वेट इज वेरी गुड बेटा जल्दी बताइए बता, आंसर क्या होगा वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू

वो रोटर से कनेक्ट होता है बेटा इसको याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन था रिपीटेड क्वेश्चन था एंड दिस क्वेश्चन नंबर थ्री आराम से आंसर दीजिए गलती करने के चांसेस कम रखिएगा जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस में गलती होती है बेटा उस गलती को यही परफॉर्म कर लीजिएगा उससे सीखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा जल्दी बताइए बेटा बहुत एनर्जी दिखानी है अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं आज सारे क्वेश्चन लगाने हैं जल्दी जल्दी लगाने हैं और बेटा अपना एनालिसिस करते रहिएगा आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो बेटा हमको नहीं बताना है आपको खुद से एनालिसिस करिएगा इंप्रूव करिएगा और बेटा दोबारा से अप्रोच सीखिएगा जो हमने सिखाया है आपको जो बताए हैं और बेटा आगे बढ़ जाना है बेटा सिलेक्शन से नीचे बात ही नहीं करनी ओके okay, सर सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा देखिए उसने दिया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैविंग फ्रीक्वेंसी इतना ठीक है चले बढ़िया फ्रीक्वेंसी इतना दिया है टू पाई एफ, टू पाई एफ बेटा कितना हो गया ये पचास दुनी सौ और सौ इंटू ये हो जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर तो भैया इसका आ जाएगा थ्री वन फोर कहाँ लिखा है थ्री वन फोर यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है तो भैया ये दोनों गलत हो गए अब भैया हमारे आंसर के सही होने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि हमने दो चार में से

दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि बेटा हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं बेटा और यहाँ पे वो आरवे दिया इसलिए हमने उसको क्या किया मैक्सिमम में चेंज किया और बेटा यहाँ पे रख दिया आराम से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और तीन चार बार प्रीवियस है बेटा तो ध्यान से क्वेश्चन करिएगा और इसका आंसर बताइएगा बेटा और प्लीज अगर चीजें तो भी हिंचाई मत आपके लिए बहुत सारे हम लोग क्या कर रहे हैं सब्प्राइज लाएंगे। सब्प्राइज का मतलब होता है बेटा, कि आपको गोल के पास आपके पहुंचाएंगे बस ये नहीं कि हाँ बहुत बड़ा यहाँ पे दिवाली खेलेंगे याद रखिएगा ओके सर सो वट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हीटेड उसको क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर हीट करोगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको क्यूरी पॉइंट क्यूरी टेम्परेचर से अब हीट करोगे तो क्या बन जाता है वो वो बन जाता है बेटा

दस सेकंड का क्वेश्चन है बेटा ये दस सेकंड में आंसर दीजिए आगे बढ़ जाते हैं ज़्यादा इसमें इसमें डिटेलिंग डिटेलिंग नहीं नहीं जाएंगे सर, डिटेलिंग में इसमें नहीं जाएंगे सर सर में ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है है बार-बार रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखिएगा मैकेनिकल बैलेंस फॉर द मैकेनिकल बैलेंस बेटा इन डीसी मशीन याद रखिएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डमिकॉयल बेटा इसको याद रखिएगा मैकेनिकल बैलेंस इन द आर्मेचर बेटा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर बेटा ज द क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थियोरेटिकल है जल्दी करिए याद रखिएगा दोबारा क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे बेटा यही होता है मॉर्निंग में मॉक टेस्ट देने का फायदा कि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है जो भी आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो माइंड में बैठ जाएगा बेटा दो तीन बार रिवाइज करोगे तो ताकि दोबारा आएगा तो गलती नहीं करनी बेटा ओके सर सो वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी सिक्स वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बेटा ट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बेटा द मटेरियल वायर यूज फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टेंस बेटा इसको आप लोग किस में पढ़ते हो बेटा मेजरमेंट में पढ़ोगे मेजरमेंट में पढ़े होंगे आप लोग इसको तो इसका आंसर क्या होगा बेटा वट इज आंसर द मटेरियल ऑफ वायर यूज दैट इज योर बेटा मैगनीन दैट इज योर बेटा मैगनीन इसको याद रखिएगा अगेन दिस क्वेश्चन है आज डी एफ सीसीड सी बेटा दोनों में पूछा जा सकता है अगेन अच्छा क्वेश्चन आ गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बीस सेकंड के अंदर बेटा बीस सेकंड के अंदर मैं इसको बड़ा कर देता हूं मैं इसको बड़ा कर देता हूँ बेटा अगर आपने हमारे ट्रिक सीखे हुए हैं अगर हमने आप अगर आपने हमारे ट्रिक सीखे हुए बेटा इसको बीस सेकंड के अंदर करोगे और ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है याद रखिएगा बीस सेकंड के अंदर इसको करना है ध्यान से करिए समय दीजिए और इसको 20 सेकंड के अंदर कर लीजिए अगर आपने हमारा अप्रोच सीखे हुए हैं तो जो बच्चों ने सीखे हुए हैं वो बेटा आपको 20 सेकंड के अंदर करके दिखा देंगे इसको सर जल्दी बताइए बेटा ज द आंसर नहीं है बेटा घबराएंगे नहीं आप वो सारे ट्रिक्स सीख जाएंगे अगर आप लोग बेसिक लेटर के सारे ट्रिक सीखना है तो बेसिक लेटर के नोट्स देख लीजिएगा लेकिन आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद इन ट्वेंटी सेकंड कह रहा है सर की दो कैपेसिटी प्लेस है एक क्या है बेटा पंद्रह का है और

कुछ करोगे जो हमने ट्रिक सिखाया है उसे करोगे तो कुछ नहीं आ रहा है ये क्या है बेटा साढ़े सात है साढ़े सात का दुगुना करोगे तो कितना आएगा बेटा दैट इज योर साढ़े सात का दुगुना करोगे पंद्रह आएगा सर तो पंद्रह अपॉन टू प्लस वन दैट इज कितना बेटा थ्री पंद्रह थ्री करोगे तो कितना बेटा पांच आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है बेटा इट मीन सर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर थर्टी सेकंड लेस देन थर्टी सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा अगर हमारे ट्रिक से जाओ बेटा आपने जो पढ़ा है उससे भी आंसर आएगा बेटा लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है इसलिए हम सिखा रहे हैं आपको कि हमारे अप्रोच से जाइए बेटा वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कोई भी टीचर नहीं बताएगा हाँ, यहां से कॉपी करके करके बहुत लोग लोग बता रहे हैं बताने दीजिए आप लोग सीख जाओ बेटा और अपने एग्जाम को क्रैक आना है सर क्रैक करके आना है उससे नीचे कोई भी हमको एक्सक्यूज नहीं चाहिए बेटा इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है इसीलिए कि आप लोग बेटा इसको करेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ओके सर चलिए वेरी गुड एनी डाउट बेटा किसी को कोई भी डाउट होगा गूगल फॉर्म आपको अवेलेबल करा देते हैं उसमें अपने डाउट पूछिएगा हम आपको कॉल करेंगे रोज हम लोग कम से कम चालीस पचास बच्चों को कॉल करते हैं आपको भी नंबर आएगा बेटा आपको भी कॉल करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे बस आपको क्या करना है बेटा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम सिलेक्शन पाएंगे बेटा और हमारा हेल्प रहेगा बेटा हमेशा इस बात को याद रखिएगा वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट बेटा जल्दी बताइए जल्दी बताइए बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी बेटा ओके सर वेरी गुड वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट सर अ वॉट मीटर भैया वॉट मीटर क्या करता है बेटा पावर

दस हो जाता तो हर एंगल से क्वेश्चन को सीखना है क्वेश्चन से भी सीख के आगे बढ़ना है बेटा इस बात को याद रखना है और सर आगे बढ़ना है ओके okay, सर सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा इसका आंसर क्या होगा दो होगा दो वोल्ट होगा अगर पैरल की जगह सीरीज लिखा होता तो आंसर क्या होता बेटा आपका दस वोल्ट होता चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40. जल्दी से बताइए बेटा ये येटिकल क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन में अभी बहुत सारे बचे हुए हैं जल्दी करिए टाइम बढ़ाइए सर टाइम बढ़ाइए सर जल्दी से बताइए सर इज आंसर

Is C. C is स्टेशनरी बेटा और कुछ नहीं सर दिस इज देशन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अगेन सिंपल क्वेश्चन है बेटा आराम से करोगे तो हो जाएगा बिना पेन pen, पेंसिल के हो जाएगा टाइमर लग गया है आपका बिना पेन पेंसिल करिएगा बेटा बिलीव भी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पेन pen पेंसिल ना ही यूज करें तो हमारे लिए अच्छा होगा वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करो बेटा जो सिखा रहे हैं उसको सीखो और आगे बढ़ते रहो बेटा। वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन दो सौ बीस वोल्ट लिया उसने उसने क्या बेटा 220 वोल्ट लिया बेटा 220 वोल्ट लिया बेटा उसने क्या किया इनपुट लिया 220 और सर यहाँ पे क्या है एक दिया आपको 180, 220 में से 180 माइनस कर दो बेटा उसके बाद टोटल दिया जीरो आपको? आपको तो ये? ये तो तो कहां दिया है सर बी दिया है तुरंत तो आंसर मारा आगे बढ़ गया सर इसमें यह सब ड्रॉ मत करना इसमें यह सब मशीन ड्रॉ मत करना बेटा ये दो सौ में से आपने एक माइनस किया ऑन आर कर दोगे करंट निकल के चलाएगा सर आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ बेटा चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बहुत ही सा क्वेश्चन है क्या दिया बेटा ये देखो मैं ऑप्शन को प्रॉपरली लिख देता हूँ ए ऑप्शन क्या है क्यू बाय टू सी बी ऑप्शन क्या है बेटा क्यू स्क्वायर हाँ बेटा क्यू सी स्क्वायर बाय क्यू हाँ मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बेटा ऑप्शन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर बी क्या बेटा आपका क्यू स्क्वायर सी बाय टू सी ऑप्शन क्या बेटा सी ऑप्शन क्या दिया आपको क्यू स्क्वायर बाय टू सी और डी ऑप्शन क्या दे बेटा आपको तो बेटा so, आपका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से इस केस में क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में आपका आंसर क्या होगा बेटा अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या पूछ रहा है सर इफ क्यू इज द चार्ज एंड सी इज द कैपेसिटेंस देन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज बट सिंपल क्वेश्चन बेटा हाफ सीबी स्क्वायर हाफ

सीखिए गलत होगा चलेगा बेटा इन्वॉल्व रहना है ये मैटर करेगा आपको यही मैटर करेगा बेटा कि आप लोग को इसमें इन्वॉल्व रहना है द टू पार्ट टैरिफ दो पार्ट टैरिफ का जो आपको टैरिफ मतलब क्या बेटा बिजली का बिल बिल पैसा पैसा मतलब सर आप लोग एनर्जी जनरेट करके दिए हो किसी को तो उससे कितना पैसा लोगे उसको आप लोग क्या करते हैं बेटा हमारे जो इतने भी पावर सेक्टर है वो उसको डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर बेटा तो टू पार्ट टैरिफ किसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल बेटा जो भी इंडस्ट्रियल आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उसके लिए हम लोग कौन सा बिल यूज करते हैं टू पार्ट टैरिफ इसको याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच ब्रिज इज यूज टू मेजर द इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू इंडक्टर विच विच ब्रिज इज यूज टू मेजर द इंडक्टेंस ऑफ हाई क्वालिटी इंडक्टर

देखो बेटा आसान आसान क्वेश्चन देने के बाद वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा सर तो घुमाएगा तो ऐसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सर और इसको आप लोग बीस सेकंड के अंदर करिए पूछ रहा है सर कि आपका जो यहाँ पे जो पावर डेसीपेट होगा आर वन में जो पावर डेसीपेट होगा वो कितना होगा सर आर और आर में पावर डेसीपेट कितना होगा आर वन में

और इसके बाद हाँ पे पे करोगे से मल्टीप्लाई कर दो हाँ पे क्या जाएगा 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 आपका हो आपका ये ये हो हो सिक्स हो तो 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 कितना का, का ट तो जा सर दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं बेटा क्योंकि पहला आंसर सेवेंटी टू है इसलिए पहला आंसर मारा बेटा और आगे बढ़ गए हमने फिर से कहा बेटा अपने ऑप्शन का यूज किया करें एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है याद रखिए बेटा थोड़ा सा अगर आपने आंसर निकाल दिया उसके बाद ऑप्शन में जाया करो और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में टिक मार्क के आगे बढ़ जाया करो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बेटा पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व मत करिएगा द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा डी थर्टी सेकंड अगर इसमें इस, इस क्वेश्चन को आप लोग थर्टी सेकंड में कर ले रहे हो इट मीन आप लोग सही पाथ पे हो इससे ज्यादा ले रहे हो बेटा तो एक बार हमारा ट्रिक ट्रिक देख लीजिएगा आपको थर्टी सेकंड से भी कम समय लगेगा सर और ये डी एफ सी सी क्वेश्चन बेटा याद रखिएगा दिमाग में और दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन रहा क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फोर्टी सेवन सर वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन बेटा आराम से करिए आराम से सीखिए और आराम से आंसर बताइए सर वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन अगेन आई एम से ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा आपको भीड़ से अलग करेंगे क्राउड से अलग करेंगे क्योंकि बेटा क्राउड बहुत है और प्रवीण सर चाहते हैं प्रवीण सर आपको कॉमन क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो सबको पता है भैया करंट की यूनिट क्या होती होती है है वोल्टेज यूनिट क्या होती है भैया वोल्ट होती है पावर यूनिट क्या होती है वाट होती है भैया ये सब तो सबको पता है भैया जो हमको सिलेक्शन दिलाएगा भीड़ से अलग करेगा वो यही सब क्वेश्चन है सो इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी गुड बेटा द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा वैसा इसका जो मैक्सिम आपका आंसर क्या होगा ये सही होगा मैक्सिमम बच्चे 80 परसेंट से मैं कहूं 80 से 90 परसेंट इसको लगाएंगे बट दिस आंसर बेटा द करेक्ट आंसर इज योर नन ऑफ दिस बेटा ये तो पर सेंटीमीटर होता है बेटा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बेटा ये क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्वेंटी वन पॉइंट वन केवी जो होता है दैट इज कॉल्ड योर बेटा दैट इज कॉल्ड योर आर एम एस वैल्यू इसलिए उसने आपको क्या किया कंफ्यूज किया यहां पे आर एम एस लिख दिया उसकी वजह से आपने क्या किया बेटा इसको नहीं देखा इसको टिक कर दिया और गलत करके चले आओ बेटा एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक साल आगे बढ़ जाता है एग्जाम में जो कि हम हम नहीं चाहेंगे बेटा चाहते हैं सारी गलती यहीं कर लो ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना होने पाए बेटा ओके सर किसी को कोई भी डाउट बेटा प्लीज पूछिएगा ये आपके लिए सेशन है आपके सिलेक्शन के लिए सेशन है बेटा फॉर्मेलिटी नहीं होती है यहाँ पे सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया जाता है ये नहीं कि एक एक ही घंटे में सौ क्वेश्चन करा दें आपको रटवा दें रटवाना नहीं बेटा क्योंकि आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और हम कॉन्सेप्ट पूरा फोकस करते हैं बेटा ताकि आप लोग का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको सॉल्व कर लो बेटा ओके तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है बटाना चाहिए बेटा यहाँ पे डाउट मतलब चाहिए कभी भी ये मत सोचिए कि हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाया बेटा आपने जितने क्वेश्चन लगाए हैं उसका कॉन्सेप्ट सिखाया बेटा जो कि कोई भी नहीं बताता आजकल आजकल कोई नहीं बता रहा है सिर्फ 200 क्वेश्चन करा दिए बड़ा बड़ा अरे बढ़िया 200 क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं होता बेटा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सर आइए आगे बढ़ते हैं दिस इज द क्वेश्चन नंबर तो अगेन 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 वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम डी एफ देख लो बेटा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से तो ध्यान रखिएगा रेलवे में जाना है रेलवे में जाना बेटा तो आपको प्रवीण सर के क्या करना है बेटा थोड़े से तो ट्रिक सीखने पड़ेंगे

आर रेजिस्टेंस दुगना हो गया बेटा तो करंट क्या हो जाएगा करंट कितना मतलब जीरो पॉइंट फाइव यहां वन है तो बेटा टोटल करंट कितना हो जाएगा टोटल करंट हो जाएगा बेटा आपका वन पॉइंट फाइव तो सर आई टू कितना हो गया सर आई टू कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव बेटा और आई वन क्या हो गया डी आपका आई वन क्या हो गया वन पॉइंट फाइव तो ये बेटा समझाने के लिए हमने लिखा यहां पे इसको समझाना नहीं था बेटा द थिंग इज दैट बेटा आपको सीखना है जो ट्रिक सिखाया है उसको सीखना है कि भैया आर बढ़ेगा तो करंट घटेगा सिंपल सी बात है उसको यूज करो इंप्लीमेंट करो और आंसर निकालो बेटा तो चीजों को सिंपल रखिए और आगे बढ़ जाइए दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन अगेन दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन एंड बिलीव मी बेटा अगेन आई एम सेइंग दिस इज द चेंजिंग देखा बेटा टर्निंग पॉइंट ऑफ द एग्जाम टर्निंग पॉइंट ऑफ द योर एग्जामिनेशन ये क्या करेगा ये ब्रेक थ्रू क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको सिलेक्शन और आपका गलत हो जाएगा अगर मान तो बेटा क्या करेंगे? से गलती नहीं करेंगे आज सीख लेंगे इसको दोबारा से गलती नहीं करेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा याद रखिए बेटा ये कह रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा तो याद रखिएगा बच्चे इसका आंसर क्या देंगे मैक्सिमम बच्चे आंसर देंगे सी बेटा लेकिन याद रखिए बेटा दिस इज द रॉन्ग आंसर दिस इज द रॉन्ग आंसर इसलिए मैंने कहा बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपको भीड़ से अलग करेगा याद रखिएगा बेटा पर यूनिट इंपोर्टेंस ऑफ प्राइमरी इज नेवर इक्वल टू पर यूनिट इंपोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी बेटा याद रखिएगा रिफर रिफर टू द प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी उसका पर यूनिट लोगे वो इक्वल होता है बेटा हमेशा इंडिविजुअल प्राइमरी और इंडिविजुअल सेकेंडरी का पर यूनिट वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होता है

ब्रेक थ्रू क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है सिखाया हुआ है आपको सिखा दिया आज ताकि बेटा आप लोग ऐसे गलती नहीं करोगे अगर यहां लिखा होता अगर बेटा यहां पर लिखा होता अगर यहां पर लिखा होता जेट पर यूनिट जेट पर यूनिट रिफर टू रिफर टू रिफर टू रिफर टू प्राइमरी साइड इज इक्वल टू जेट पर यूनिट रिफर टू रिफर टू To secondary side, तब इसका आंसर क्या होता, बेटा, हो जाता। लेकिन यहां आंसर मतलब सही नहीं होगा दिस वन अगर यहां लिखा होता है पर यूनिट प्राइम रिफर टू तो द प्राइमरी इज इक्वल टू तो जेट पर यूनिट रिफर टू तो द सेकेंडरी उस केस में बेटा आपका आंसर ए सही होता लेकिन इस केस में बेटा आंसर आपका डी सही होगा ओके okay, सर

कोई भी क्वेश्चन से उसके आसपास कोई भी आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आप लोग बेटा उसको छोड़ो ना सही करके आओ तो ये बेटा किस्सा होता है कि हमने आपको दिखा रहा है लेकिन हमने इससे आपसे डबल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कॉजेस भैया ट्रांसमिशन लाइन का फ्रीक्वेंसी पे कुछ पावर ट्रांसमिट कर रहे हो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो भैया कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो सही होगा वो आपसे पूछ रहा है

डी का पढ़ रहे हैं और रेलवे के बारे में ना पूछे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बेटा वो इंडियन हिस्ट्री जो आपका रेलवे का हिस्ट्री है उसको उठाएगा और आपसे पूछेगा ही पूछेगा तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने पुट किया है डी में से जो कि आपको बेटा पढ़ना है देखना है और आंसर देना है बेटा मुझे पता है कि आप लोग का जीके जो इंजीनियर का जीके होता है वो बहुत ज्यादा ही नैरो होता है बट सर उतना पढ़ लेंगे जितने में हमको जो जीके पूछेगा आठ दस में से हमको पांच छे मिल जाए सर जीके में दैट इज एनफ सो आराम से इस मैं रोज आपसे डिस्कस करूंगा जीके भी रेलवे का जो हिस्ट्री है वो डीएससी एस सी में पूछेगा ही पूछेगा आपको बेटा वो पता होना चाहिए वो मैं रोज आपसे डिस्कस करूंगा चार पांच क्वेश्चन रोज डिस्कस करूंगा ताकि बेटा आपका वो दिमाग में रोज बैठता जाए सर सो वॉट इज आंसर दिस बेटा नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर बेटा ये कहां पर बेटा जल्दी बताइए दिस रेलवे इंडस्ट्री बेटा यहां पे ये ये बेटा आपका है गुजरात वडोदरा बेटा आंसर याद रखिएगा जो पहली रेलवे इंडस्ट्री बनी है वो कहां बनी बनी बेटा गुजरात में है इसको याद रखिए बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ ये और बेटा आगे बढ़ते हैं दिस इज द क्वेश्चन नंबर 52 सर अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कि इंडियन रेलवे हिस्ट्री के बारे में पूछेगा ही पूछेगा डीएफसीएल में और ये क्वेश्चन दो तीन बार एग्जाम में रिपीट हुआ बेटा सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टेट इज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द कंट्री तो बेटा आप तो देखोगे साउथ वाली मूवी देखते हो साउथ की मूवी देखते हो तो वहां पर बड़े बहुत बड़े बड़े बड़ पंखे लगे होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पंखे लगते हैं जो कि हीरो मारता है एक बार में तो गिर जाते हैं सारे पंखे ना बेटा तो साउथ की मूवी देखे हो मतलब सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाडु इज द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सर अमाउंट ऑफ एनर्जी ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री सर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सर आगे सर थोड़ा बहुत थोड़ा सा टेक्निकल सीख लिया आप थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पर घुस जाते हैं बेटा थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पे घुस जाते हैं बिकॉज बेटा हर क्वेश्चन का मार्क्स बराबर होगा और बेटा आपको हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए इसमें हमको क्वेश्चन अगर आप बेनिफिट करना है बेटा तो छोटी-छोटी चीजें सीखना पड़ेगा रोज हल्का-हल्का नॉन टेक भी आप लोग टच करिए जो कि प्रवीण सर आपके साथ टच कराएंगे बेटा और एक मेथड बताएंगे ट्रिक बताएंगे ताकि आप लोग बेटा इसको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको बेटा तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53 बेटा पूछ रहा है कि भैया इसमें से इसमें से ये जो वर्ड है

ट इज द्वेश्चन से कहा डी बेटा सी सी कहा एल में आपको इंडियन रेलवे हिस्ट्री से जरूर क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि बेटा हमको याद हो जाए हम लोग रोज एक दिन में नहीं पढ़ेंगे बेटा रोज पांच छह क्वेश्चन पांच छह क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे ताकि क्या हो बेटा हमारे सारे आंसर सेलेक्ट हो जाए बेटा आंसर सही हो जाएंगे तो हमारे मार्क्स को ऐड अप ऐड ऑन कर देगा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा तो आराम से बताइए सर इसका आंसर क्या होगा सर व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डीजल लोकोमोटिव वर्क इज सिचुएटेड एट कहां पे ये है बेटा ये वहां पे मैं इसको हिंट देता हूं बेटा मेरा यहां घर है मेरा यहां पे घर है बेटा पे मेरा घर है वहीं पे ये डीजल लोकोमोटिव वर्क का हेड वहीं पे ये, ये वहां पे इंस्टॉल्ड है ये प्लांट वहीं पे है सर तो सर इसका आंसर क्या है सर दट इज वाराणसी में सर डीजल लोकोमोटिव वर्क है बेटा लेकिन इसका एक चीज और याद रखिएगा बेटा डीएलडब्ल्यू का अब नाम चेंज करके रखा गया है बीएलडब्ल्यू बेटा दट इज योर भारत लोकोमोटिव वर्क टेंट क्वेश्चन किया गया है तो इसका आने का चांसेस बढ़ जाएगा याद अब डीएलोटिवर्क बेटा दैट इज योर भारतमोटिव वर्क, भारत वर्क इसको दिमाग में रखिएगा यह क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज्यादा चांसेस है आपके आने के डीएलडब्ल्यू नेम इज चेंज फ्रॉम डीएलडब्ल्यू टू बीएलडब्ल्यू फ्रॉम डीएल टू भारत लोकोमोटिव वर्क बेटा तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है कि भैया आपका वाराणसी में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव बिटवीन विच भैया पहला जो हमारा ट्रेन चला था जो पहली ट्रेन चली थी भैया हमारे इंडिया में वो किस स्टेशन से

यो जो आपकी चली थी ट्रेन वो किस ईयर में चली थी वो किस ईयर में चली थी याद है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया हैज रन रन किस साल में पहली ट्रेन रन की थी बेटा तो बेटा तो आंसर क्या है बेटा very good. That is your 1853, बेटा वेरी गुड दैट इज योर 1853 1853 में पहली ट्रेन रन की थी फ्रॉम मुंबई टू थाने बेटा इसको एक कहानी की तरह याद रखा करो और बेटा आगे बढ़ जाया करो बिलीव मी कभी भी इसको भूलोगे नहीं बेटा अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक एप्टीट्यूड आ गया सर बिल्कुल आ गया सर

व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैं क्यों हंस रहा हूं अभी मैं बताने वाला हूं आपको मैं क्यों हंस रहा हूं बेटा अभी मैं बताने वाला आपको सर, यहां, यहां, बेटा बेटा, यहां यूज करो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत सर क्या सर बड़ा नंबर क्या है छे सर, सर साठ अपॉन टू प्लस वन दट इज थ्री सिक्सटी अपॉन थ्री हो गया सर ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर सर तो सर आपने इलेक्ट्रिकल को एप्टीट्यूड में टच करा दिया सर इसी को कहते हैं पढ़ना बेटा इंजीनियर है इंजीनियर की तरफ पढ़िएगा इसका आंसर कैसे निकाला समझ आया बेटा रजिस्टर का पैरल वाला आप लोग क्या करेंगे फॉर्मुला यूज कर लेना आपका आंसर करेक्ट आएगा सर कुछ भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर और इसी को कहते हैं बेटा ट्रिक करना इसी को कहते हैं कनेक्ट करना चीजों को इसी को कहते हैं एक फॉर्मुला यूज करेंगे और सब कुछ निकाल के आ जाएंगे बेटा तो सिलेक्शन पाना है तो किताबों से बाहर निकलो प्रवीण सर आपको हमेशा प्रेजेंट रहेंगे सिखाने के लिए बेटा क्या किया सर थ्री टू सिक्स टू प्लस वन आंसर इज द करेक्ट आंसर इज योर सी ओके सो इसे कहते हैं पढ़ाई बेटा पढ़ना है तो मौज के साथ पढ़ो नहीं तो छोड़ दो ओके सर चलिए वेरी गुड सो आई होप बेटा बात अब आप, आपको समझ में आई होगी सर क्यों मैं मैं अगर बेटा एफ्टीट्यूड पढ़ाने लगा ना बेटा मैं बिलीव कर रहा हूं अगर मैं एप्टीट्यूड को टच कर दिया तो बेटा फिर तो वह उसको ऐसा पढ़ा दूंगा लेकिन बेटा वो क्या है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमको पढ़ा लेकिन फिर भी हम रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो कि आप लोग को विद इन अ सेकंड आपका आंसर निकल के चला आएगा ओके सर सो फाइनली आई दैट यू यू शुड ऑलवेज बी इन टच विद प्रवीण सर ऑन जेनिक टीम बेटा बिकॉज वी गिव द वॉन्टीन गिव्यू दिच विज नेवर वी विल गोइंग टू गेट एनी वे बेटा क्योंकि यह हमारे खुद के बनाए हुए चीजें हैं जो कि आपको सिखा रहे हैं ओके सर चलिए वेरी गुड सो सिंपल रहिए काम रहिए बेटा चीजों को सीखिए जिस तरह से सिखा रहे हैं बेटा और गलती नहीं होगी ओके सर सो

कंसिस्टेंट रहिए लड़िए झगड़िए बस साथ रहिए बेटा कभी भी साथ में छोड़िएगा हमारा भी साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका हमारे साथ हमारे लिए भी बेटा आपका साथ इंपॉर्टेंट है सर so 57, सर सो इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर गवर्नर जनरल कौन से ऐसे जनरल थे बेटा की जिनके अंडर में इंडिया में क्या आया था बेटा इंडिया में जिसकी वजह से आपका रेलवे आया था सर क्या इसका आंसर होगा बेटा मैं इसका आंसर देता हूं और ऐसा आंसर दूंगा कि आप लोग फिर इसको क्या करेंगे दोबारा से भूलेंगे नहीं बेटा देखिए

वो हम वॉर जीत गए होते अगर ये बंदा नहीं होता तो अगर ये बंदा नहीं होता बेटा इसने क्या किया 1853 में क्या ले आया ये रेलवे लेके चलाया और कम्युनिकेशन लाइन लेके चलाया बेटा जिसकी वजह से हमको इनको क्या हुआ जीत गए नहीं तो बेटा अगर ये नहीं होता रेलवे नहीं होता और आपकी कम्युनिकेशन लाइन नहीं होती बेटा ना तो आप लोग को जो आजादी मिलती वो एटीन में ही मिल गई होती लेकिन इस डल हाउसी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया हमारी जो सक्सेस है उसको थोड़ा सा आगे ले गया दैट इज योर तो इस ये चीजों को याद रखो बेटा चीजों को याद करना सीखो रिलेट करना सीखो बाकी बेटा कुछ है नहीं इसमें ओके सर चलिए सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट डू द बेटा हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें हम लोग चूक गए बेटा नहीं तो हम लोग तो कब के पहुंच गए ओके सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टूड सेशन ये आज का बेस्ट क्वेश्चन है इसका आंसर जल्दी बताइए बेटा बेटा और आंसर आंसर दीजिए इज फॉर दिस क्वेश्चन दिस द क्वेश्चन नंबर 58, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 58, एंड आई वांट दैट बेटा हमको पता है बेटा इंजीनियर का, इंजीनियर को पूछोगे कि हाँ भैया उसको याद रहा कि हाँ उसका जो

क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन एंड आई वॉन्ट एवरी वन शुड एवरी वन शुड एवरी वन शुड बेटा डू दिस क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटर ऑफ टू प्रोडक्ट इज बेटा कह रहा है दो नंबर है एक्स और वाई इसमें जो जो क्या है बेटा दोनों का सम है जो दोनों का सम है बेटा वो क्या है एक्सिड कर रहा है एक्सीड कर रहा है बेटा दोनों का डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस एक्सीड कर रहा है बाय क्या बेटा थर्टी से बस यही क्या बेटा आपका क्वेश्चन बन गया दोनों का प्रोडक्ट दिया है बेटा आपका 90, 900 और ये बेटा एक इक्वेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल है दो इक्वेशन है बेटा सॉल्व करके बंदे हो आपका एप्टीट्यूड कभी भी गलत नहीं होना चाहिए सर इसको निकाल लीजिएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा आंसर हमको याद नहीं है रेक्टिकेशन नहीं करते बेटा इसलिए याद रखिए सोल्व करोगा यहक्ल टू थर्टी बेटा टू फिफ्टी तो ये हो गया बेटा हो गया यहाँ करो तो साठ तो आपका आंसर बड़ा लार्जर नंबर क्या होगा साठ होगा बेटा इसको याद रख गा बाकी बेटा इसमें कुछ है नहीं सिंपल क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड मार्क्स कभी भी गलत नहीं करना बेटा इसको याद रखिए हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर कौन है बेटा नए हेल्थ मिनिस्टर कौन है बेटा

भाई क्या है बेटा हमारे जो नए हैं नए हेल्थ मिनिस्टर बेटा इसको याद बाकी बेटा आप हो सर बाकी आप लोग समझदार हो सर वेटा मैथ की मैथ का क्वेश्चन आ गया बेटा देखिए एक्स टेन सिक्सटी एक्स टेन सिक्सटी मतलब क्या हो गया एक्स रूट थ्री प्लस कॉस फोर्टी बेटा कॉफ फोर्टी बेटा वट इजर कॉस फोर्टी फाइव सर दट इज ये बेटा वन रूट टू और इस रूट टू हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व करिएगा आप लोग एक्सक्वायर निकालेंगे इसका आंसर करके चलाएगा बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ पूरा आपको बता दिया हूँ कि आप लोग आंसर जो भी आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारी वैल्यू आपको पता है बेटा उसको रखिएगा और आपका आंसर निकल के चलाएगा ओके सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी जल्दी कर लीजिए बेटा इसको ये सारे क्वेश्चन बेटा सिंपल है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको बिलीव मी बस इसको आप लोगों को क्या करना प्रैक्टिस करना है जिस तरह मैं बता रहा हूं सर प्रैक्टिस करिएगा आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ओके okay, सर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया इसलिए ताकि आप लोगों को कोई गलती ना हो एक्स टेन फोर्टी कॉस फोर्टी फाइव उसको सॉल्व करेंगे इधर से उधर ले जाओगे बेटा आपका आंसर निकल के चलाएगा सर वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी जल्दी बताइए वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी बेटा जेलर होता है कहां पे होता है वो प्रिजन में होता है जो क्यूरेटर होता है बेटा वो पे होता है बेटा ये क्यूरेटर जो होता है वो होता है बेटा म्यूजियम में होता है वो कहा होता है बेटा म्यूजियम होता है जो कि आपको सारी तस्वीरें दिखाता है ना बेटा सारी तस्वीरें दिखाता है वो कौन होता है बेटा म्यूजियम में क्यूरेटर होता है बेटा कौन होता है बेटा क्यूरेटर होता है मैक्स ये आपका डी एफ सीसी में पूछा गया था ये पूछा गया बेटा डी एफ सीसी में हमने चलो उठा लेते हैं इसको और बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं जेलर कहां है प्रिजन में होता है क्यूरेटर कहां होता है बेटा म्यूजियम होता है याद रखिएगा सिंपल चीजें हैं और आगे बढ़ जाना है सर आगे बढ़ जाइएगा सर

एंड आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड गिव दिस एंड इन क्विक वे दोबारा इसमें कोई चेंज नहीं होता है इसलिए इसको एक बार याद कर लो एक बार देख लिया तो दोबारा इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े बेटा ऐसे इसको याद रखेंगे भैया क्या पूछ रहा है कौन सा विटामिन है जो कि भैया ब्लड ब्लड जो खून रह जाता है उसको क्लॉट करने में कौन मदद कर बेटा तो उसको मदद कौन करता है बेटा दट इज योर दट इज योर बट बेटा दट इज योर विटामिन के विटामिन के के मतलब क्या सर के मतलब क्लॉटिंग के मतलब क्लॉटिंग ऐसे याद रखो बेटा इंजीनियर का दिमाग है याद रखो के के मतलब क्या क्लॉटिंग क्लॉटिंग सर ब्लड का सर इसलिए इसका आंसर क्या हो गया विटामिन के सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर और आगे बढ़ के सर इसका आंसर निकाल देते हैं सर दिस इज दिस इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन एंड आई वॉन्ट दैट यू शुड नॉट यूज द पेंसिल और पेन इन दिस क्वेश्चन बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है इसका आंसर देख के बताओ सर व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा जल्दी बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग माय ट्रिक व्हिच आई विल गोइंग टू यूज इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड यू विल गोइंग टू सी दिस बेटा यू विल गोइंग टू सी दिस यू विल गोइंग टू सी दिस बेटा दैट इफ ए कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क इन एट डेज एंड बी डेम वर्क इन ट्वेंटी फोर डेज तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो कितने में करेंगे सर आठ चौबीस सर तो ट्वेंटी फोर बाय थ्री प्लस वन फोर कर दो जिस भी फॉर्मुले से आप निकालते हो निकाल लेना आपका आंसर सही आएगा सर तो आज का सेशन बेटा आपको कैसा लगा अब बताइए सर अब यहां तक हमने जो अपने डिस्कस किया है बेटा, हमने सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व किया जितने भी डीएफसी क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम हमने इन्वॉल्व किया बेटा आप लोग देखोगे जाके प्रीवियस ईयर के 50 से 70 परसेंट तक हमने क्या किया बेटा आपके डीएफसी सैलरी क्वेश्चन उठाए डायरेक्टली ताकि बेटा आप लोग क्या कर सको फील ले सको कि आप लोग किस जगह खड़े हो बिलीव भी बेटा अगर आपके आंसर गलत आ रहे हैं कोई बात नहीं बेटा आराम से डरना नहीं है अभी आपको इंप्रूव करना है दो महीने बहुत होते हैं अगर आपने जी जान लगा दी ना बेटा तो आपका कोई भी एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोकेगा बेटा इसको याद रखिएगा बस एक राइट right अप्रोच चाहिए और एक राइट right डायरेक्शन चाहिए जो कि आपको प्रवीण सर पे पिछले दिन से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे सर बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और स्माइल देते रहना ओके okay, सर चलिए वेरी गुड सो कैसा लगा बेटा आज का सेशन आज के सेशन में कुछ नया फील हुआ यस देन प्लीज लेट मी नो और बेटा मैंने कहा आपको बहुत सारी चीजें एप्टीट्यूड में आपको ऐसी बताऊंगा जिसको आप लोग देखते ही आंसर मार के आओगे बेटा बेटा ओके चलिए वेरी गुड आया ना तो आपको क्या करना करना बेटा अब यहां से जाके आपको एनालिसिस है क्या करना है सर आपको जाके बेटा एनालिसिस करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए हुए देखेंगे आप हमारा गूगल फॉर्म भरिएगा बेटा उसमें आपके जो डाउट्स हैं उसको लिखिएगा हम आपको फोन करेंगे और बेटा आपके जितने भी डाउट होंगे उसको हम पूछेंगे आप लोग बताइएगा हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की बेटा और याद रखिएगा

एनी डाउट बेटा किसी को कोई भी डॉट प्लीज पूछिए इफ यू हैनी डॉट बेटा प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट ओके वेरी गुड है पावर सर, सर ब्रश करेंगे उसके बाद सर पावर और बेटा फिर मैं कह रहा हूं ऐसे में सीरीज और भी लेके आऊंगा जहां पे आप लोगों का टेक प्लस नॉन टेक के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है और धीरे धीरे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं थे तो बेटा फोन करेंगे आप लोग फोन इन द सेंस गूगल फॉर्म भर देंगे हम आपको फोन करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ओके सर चलिए तो बेटा आप लोग अपना फीडबैक टेलीग्राम पर लिंक पर दे दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा अच्छा है चीजें अगर आपका फीडबैक अच्छा आएगा तो हम लोग और भी ऐसे सीरीज लेके आएंगे ताकि बेटा आपको बेनिफिट करे बेटा देखो जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को ये चीजें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही तो आप लोग फीडबैक दीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको लिए और भी अच्छी अच्छी सीरीज लेके आएंगे बेटा और आपको कहाँ पहुंचाएंगे बेटा सिलेक्शन के उस पार लेके चले जाएंगे ओके चलिए वेरी गुड ओके थैंक यू थैंक यू सो मच टू एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड फिर से जो बच्चे नए हैं बेटा वो हमारे जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के और पावर सिस्टम के लेक्चर्स हैं उसको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा बहुत ही कम समय में बहुत सारी ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें बता रखी है उसमें जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है चाहे आपका बेटा बेटा हुआ हुआ अभी पंजाब का आने वाला है उसका वो बेटा, सब में वो बेनिफिशियल रहेगा बस उसको एक बार जाकर देख लो दो तीन घंटे रोज देखोगे बेटा आपके एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे और बेटा उससे आपको ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसमें हमने जो ट्रिक रिसर्च की है बेटा वो ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा और ना ही कोई टीचर बताएगा हाँ अब आपको कॉपी करके कोई बता सकता है दैट डजेंट मीन बेटा आपको सीखिए और आगे बढ़ जाइए ओके सर चलिए ओके थैंक यू सो मच बेटा तो चलिए बेटा आप क्या करते हैं अब जाते हैं घर पे हंसते खेलते हैं और अपने सेशन को दोबारा देखिएगा जो अप्रोच सिखाया उसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा बेटा और जो भी डाउट आएगा आप लोग हमसे पूछिएगा टिल देन व्हाट यू टू डू सिंपली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग बेटा और थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर दिस एनर्जी बेटा ओके थैंक यू थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू